Welcome to the Raja Haider channel. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Assalamualaikum, मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे, इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। आप सबकी इन चाहतों का बहुत शुक्रिया। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए फिर से हाजिर हो चुका है। आपकी चाहतें, इतनी ज्यादा मोहब्बतें जो ईमेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए, यहाँ जब वीडियो आप देख रहे हो तो नीचे लिंक पे आप लोग भेज रहे होते हो मैसेजेस, अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े सबूत दे रहे होते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक से ही हम इस प्रोग्राम के इब्तदाई को मजीद बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। मैं एक पोस्टमैन हूं, मेरी ये ड्यूटी लगी है कि आप तक वो सब सच पहुंचाया जाए जो आप तसव्वुफ से जुड़े हुए लोगों को अता किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों ने अगर अभी तक, इब्तदा में मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो 70% लोगों ने नहीं किया, क्योंकि 125,000 लोग एक वीडियो देखते हैं एक हफ्ते में, तो सिर्फ 30% लोगों ने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को ऑन किया। प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करो और जहां पर घंटी लगी है उसको दबा दो ताकि आप लोगों को लाइव शोज भी मिल सकें। मेरे लाइव शोज राजा हैदर इसी चैनल पर रोजाना दुबई से होते हैं, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10-11 बजे शुरू होता है, 2-3 घंटे के दौरानिया होता है जिसमें तसव्वुफ, एंटरटेनमेंट, पोइट्री, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिन्होंने नहीं देखा, टाइम मैच नहीं करता, वो वीडियोस हम वहाँ नहीं छोड़ते, वो डिलीट कर देते हैं। और दूसरा मेरा एक चैनल है सिमीज किचन, वो सिमी का चैनल है जिसपे हम इसी तरह पार्ट टू भी उसका करते रहते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे नजर आ जाएगा, उसको भी क्लिक करो और बेल आइकन को ऑन करो। इंस्टाग्राम पे राजा हैदर, RAAJA राजा, HAIDER राजा हैदर मेरा आईडी है। वहां भी ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो ताकि हम लोग उस पे भी लाइव आके गपशप लगाया करें, ठीक है। अच्छा, अब है क्या, बहुत सारे लोग तसव्वुफ की राह में जुड़ते हुए हमें मिलते हैं, बहुत सारा अच्छा फीडबैक आता है कि जी हम लोग आगे किस तरह से जाएं, इस दौरानिए को ज्यादा बढ़ा दें। मैं कोशिश ये करता हूं कि बोरियत ना हो, बहुत सारे लोग शायद इस हिस्से को स्किप कर देते हो, मैं उनके लिए प्रोग्राम नहीं करता, मैं आपके लिए करता हूं जो अभी भी देख रहे हो। जो हफ्ता कैसा रहेगा वो तो है ही है, वो तो आप देख सकते हो कभी भी। एक हदीस का मफहूम है कि हर शख्स से ऐसी खुश इखलाकी से मिलो कि वो ये समझे कि तुम सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत करते हो, और सुन्नत भी यही है कि हर शख्स से ऐसे मिलो कि वो लगे कि सबसे ज्यादा। मुर्शिद के इंतखाब में भी आपको यही करना पड़ता है कि जब आप मिलते हो तो इतनी खुश इखलाकी से, मुर्शिद इतनी खुश इखलाकी से मिलता है कि हर मुरीद को यह लगता है कि हम लोग इनके साथ हैं और ये हम पे ही फोकस कर रहे हैं। फोकस बेसिकली है क्या, जब आप तस्बीहां पढ़ रहे होते हो तो तस्बीह के हर दाने को यकसुई बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है, वरना तो एक दफा आप समी हो कह दो, मालिकुल मुल्क कह दो, कबीर कह दो, तो वो सुन लेगा, तब भी सुन लेगा, वो एक बार नहीं सुनेगा क्या 90 दफा 100 दफा पढ़ना ही जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो यकसुई फोकसिंग, फोकस बढ़ाते हो कि इसके बाद भी यही पढ़ना है, इसके बाद भी यही पढ़ना है, तरतीब से चलते हो, फोकस होता है। तो हर तस्बीह के दाने को आगे बढ़ाते हुए आप फोकस करते हो, खो जाते हो उसकी जात में, खो जाते हो उसकी बहुत खूबसूरत जात है, उसको कभी इमेजिन मत करना कि उसकी बॉडी कैसी होगी, कि बहुत बड़ा जब हम कहते हैं तो जमीन से आसमान तक कद होगा, बुजुर्ग होगा, क्योंकि कायनात जब से बनी, ना 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 ना, शबी है ही नहीं, वो हमारे नफूस के पर्दे में छुपा, हर एक के वजूद में और हर एक जानदार के वजूद में है, वो दरख्तों में भी है, वो पत्तों में भी है, वो कुत्ता, बिल्ली, चूंटी, सुअर, मछलियां, इंसान, फरिश्ते, हैवान, सबके वजूद में है। जहां भी रब है, इसका मतलब कि कोई जर्रा
اس کی مصوری اور کاراگری سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ تو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اللہ تو کیوں نہیں سنتا. نہ خاموش بیٹھ جاؤ, تصور میں دیدار الہی کرو, دیدار محمد و آل محمد کرو, تو جلوہ گری دکھائی دینا شروع ہو جائے گی. مولانا حسن تھے, وہ آپریشن ٹیبل پہ جب تھے تو انستیزیا دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا نہ مجھے نہیں چاہیے, بے ہوش نہیں کرنا ہے مجھے, ٹانگ کاٹنی تھی ان کی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا ضروری ہے, بڑا تکلیف دہ امر ہوتا. انہوں نے کہا یہی تو میرا امتحان ہے. وہ اللہ والے تھے, فوکس کرتے تھے بہت زیادہ. انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی اور کہا جو کرنا ہے کرو. ٹانگ کٹ گئی, تکلیف کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں آیا وجود میں. ایسے جیسے بے ہوشی میں آپ کے دانت میں پہلے ٹیکے لگاتے ہیں, پھر سن کر کے جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا پورا وجود اس کے عشق میں سن ہو جاتا ہے, پھر گم ہو جاتے ہو. مولا علی عبادتیں کرتے تھے, پاؤں میں زہریلا کانٹا اندر تک چبھ گیا, نکالتے ہوئے درد ہو رہا, کہا نہیں جب میں سجدے میں ہوں تب نکال لینا, کیونکہ سجدے میں جب ہوں گے تو پاؤں اٹھے ہوئے ہوں گے, تب نکالنا, پتہ بھی نہیں چلا. یہ عشق الہی میں فوکسنگ کرنی ہے. تصوف کے فقیروں سب سے پہلے فوکس. اور وہ کیا کرنا ہے, ضروری ہے ہر چیز کو آپ اپنی ترتیب سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہو. ظاہر ہے حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہیں, ان دونوں کو آپ نے برابر رکھنا ہے, تبھی آپ آگے کی طرف بڑھو گے. ایسا نہیں ہے ڈیلی روٹین میں آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے. وہ دیکھو جب آپ دعا کرتے ہو پروردگار مجھے بیٹا دے دے, تو وہ مان لیتا, اسی وقت سن لی اس نے وعدہ کیا نا کہ آپ کی ہر دعا سنے گا, اس نے مان لیا, ٹھیک ہے. اور اس پروسیس میں ظاہر ہے پہلے تو قبول ہو گئی, سال دو سال تین سال جو بھی لگتے ہیں, وہ اس نے اپنا ایجنڈا دیکھنا ہوتا ہے. نو مہینے تو لگتے ہیں نا, یہ قبول کر لیا فوراً ہی ہو گیا. دیکھو اوپر ایک پوری نظام ہے, ایک پوری دنیا آباد ہے, جہاں پہ میرے رب نے پوری کائنات کی چینٹی سے لے کے جس پہ آپ چلتے چلتے پاؤں رکھتے ہو روز, وہاں سے لے کے چڑیا کا وہ چاول کا دانا جو رات کو آپ کی پلیٹ سے بچے گا, بھگو کے آپ باہر کہیں رکھو گے, وہاں تک کا سسٹم, مچھلیاں جو نابینا پیدا کر رہا ہے ان کی خوراک سے لے کے ایک بہت بڑے بل گیٹ کی خوراک تک کا انتظام اس کے پورے اوپر ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں ایک شادی ہو جائے, کسی کی پارٹی ہو جائے, دعوت ہو جائے, تو ہونک ہو جاتا ہے, ہم گھومے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پورا ہوگا, انتظام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بلاؤ کیٹرنگ والا, فنش ہونی چاہیے ایک چیز. یہ 100, 200, 500, 1000 لوگوں کی بات, یہ کائنات جب سے بنی ہے صرف لوگوں کی بات نہیں ہے, اس میں پہاڑ ہیں تو اس کے جو ہیرے جواہرات ہیں یہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں, ان کی بھی خوراک کا انتظام, ان کی بھی کیلکولیشن کہ کس کو میں نے کیا کرنا. اسی لیے پتھر جنت میں یاقوت و مرجان کے گھر دیے جائیں گے, ڈائمنڈس کے گھر دیے جائیں گے, اپنی اپنی کیٹیگری کے حساب سے, کیونکہ ان کو دینا ہے, وہ میرے رب کا انتظام ہے. اس لیے ہلکا مت لینا کہ وہ جو گزر گئے ان کا حساب نہیں ہو رہا, ہر چیز کا حساب رکھا. تو جلدی دعاؤں میں کہ جی جلدی قبول ہو جائے, پھر مرشد سے خائف ہونا یہ چھوڑ دینا کہ کسی نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے دعا کر دی, دعا قبول نہیں ہوئی, یہ مرشد جھوٹا ہے, کسی اور کے پاس جاتے ہیں. ہم 99% یہی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتا دوں واٹ از بیسکلی مرشد, صحیح اور غلط کیا. آپ لوگوں کو ایک ڈرامہ ہے میرا, وہ دیکھنا ہوگا, وہ ڈرامہ یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا, جس کا نام ہے آدھی دھوپ. آدھی یعنی ہاف والے جو, آدھی دھوپ. ایپیسوڈ 1 لکھو گے, پہلی قسط آ جائے گی, 14 قسطوں کا یعنی 14 ایپیسوڈ کا ڈرامہ ہے, 50 منٹ 60 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے. اس میں لیڈنگ رول میں نے کیا ہے پیر کلندر شاہ کا, جنہوں نے دیکھا ٹھیک ہے, ورنہ ریفریش کر لو. اس میں میری داڑھی, لمبے بال, میرا گیٹ اپ, میری آواز, سب کچھ چینج ہے, تو آپ کو اچھا لگے گا. اس میں اوریجنل کیا ہے, بیسکلی ہم کن کے فالوورز ہیں, وہ جو چیف منسٹر بھی ہیں ان کو بھی ان کے کہنے سے پورے گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات ووٹ دیتے ہیں. بیسکلی ان سائڈ اسٹوری کیا چل رہی ہے, پاکستان کے سارے ٹاپ سٹارز ہیں اس میں. پرانا ڈرامہ ہے, ضرور دیکھنا, آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب یہاں مل جائے گا جو میں یہاں پہ اپنے اس بات میں نہیں دے پاتا. آپ لوگ کبھی کسی جگہ پہ آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ آپ جاب کر رہے ہو اور آپ کسی کو کہتے ہو یار ہمارا جو باس ہے اس تک پہنچنا بڑا ناممکن ہے, کوئی جگاڑ لگاؤ کہ وہاں تک ہماری سفارش جائے اور میری ترقی ہو جائے. اور جس کو آپ کہہ رہے ہو وہ بڑے محترم ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہو, وہ کہتا لو وہ تو میرے دوست ہیں. اب جب آپ دوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں, باس ذہن میں وہ رکھنا, میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں, لیکن ذہن میں وہ رکھنا کہ آپ نے کس کو کہا,
اہلِ بیت کیوں کہہ رہے ہو؟ درِ محمد و آلِ محمد پہ ہو یا پھر اپنے مرشد کے پاس ہو؟ مرشد کہاں جڑا ہے، وہ کہاں جڑا ہے، وہ کہاں جڑا؟ تو اب آپ اس کو کہتے ہو وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے آپ کو باس کے پاس لے جاتا ہے، اس کی جو سیکرٹری ہے وہ جبرائیل ذہن میں آپ رکھ لو یا جو بھی ہے پی اے ہے، وہ دیکھتے ارے ارے جائیں، آپ کو اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں کہ میں باس کو بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں کہ فلاں صاحب آئے، آپ جائیے، آپ کے لیے ایکسس ہے، میرے رب نے دروازے کھولے، آپ باس کو جا کے کہو گے یہ میرا دوست ہے اس کی ترقی کرنی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ گئے کافی ہے، یہ نہیں پوچھو گے کہ اس کا خاندان کیا ہے، کتنی تنخواہ لیتا ہے، کس جگہ، بس آپ نے کہہ دیا آپ کے ادارے میں کام کرتا ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، سائن کیا ہو گیا کام، باہر آئے آپ نے مبارک دی، تمہارا کام ہو گیا، آپ نے اس کو گرو مان لیا، آپ نے کہا بس بھائی اس نے تو میرا کام کر دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب کیا ہوگا، وہ جو باس ہے وہ اپلیکیشن متعلقہ بندے کو دے گا کہ اپنے پی اے کو دے گا، اپنے مینیجر کو دے گا، وہ نیچے دے گا، وہ ادھر دے گا، اداروں سے ہوتی ہوئی 5-6 مہینے جو بھی ٹائم لگتا ہے، جو بھی ٹائم لگتا ہے اس کو خود ہی کوٹ کر لینا اور آپ کے آفس تک آتا ہے، جب وہاں پہ آتا ہے تو آڈٹ والے یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ اس سال تو ہمارا بجٹ ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں یہ، اور پھر وہی لیٹر اوپر تک جاتا ہے، فون جاتا ہے کہ سر آپ نے یہ سفارش کی، اس سال تو بڑا مشکل ہے، ہمارا یہ بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، ہمارا نظام ہل جائے گا، پوری کمپنی جو چل رہی ہے، ایک بندے کو اگر اپڈیٹ کیا کہا ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر کے لیے نام اس کا پہلے سے لکھ دو اور یہ ڈن ہے، میں نے سفارش کی، ڈن ہو گیا، اب وہ جو ڈیلے ہوا آپ خائف ہو گئے اپنے اس دوست سے کہ وہ گاڑی میں بٹھا کے لے گیا، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں، ہمارے تو باس ہی نہیں، جاب ہی نہیں ملی ہے، سمجھ رہے ہو، پکڑ لینا اس کو جوڑتے رہنا وہاں، کہ اوپر کا جو نظام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے چکر میں کسی اور کی زندگی کو اجاڑ دے، یہ زندگی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا آپ لوگ، ایک بادشاہ تھا، اب کرتبوں میں مت جانا کہ جو مرشد کرتب کر رہا ہے یا جو بڑا کوئی کمال قسم کا آپ کے سامنے مظاہرہ کرے گا، اڑ کے دکھائے گا، یہ کر دے گا تو آپ اسی کو مانو گے، بس یہ دل کے رشتے ہیں، بڑا باریک سا رستہ ہے، شریعت پر چلتے رہو، پھر کوئی مرشد کی ضرورت نہیں ہے نا، مرشد ہے نا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اسی سے جڑا ہے نا، اسی شریعت سے جڑی ہے یہ طریقت، یہ فقیری، ایک بادشاہ تھا، وہ ایک فقیر سے بڑی حسد کرتا تھا، بہت جلن تھا، وہ تصوف والے فقیر تھے، ایک دن وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھی کوٹڑی سی ہے، اس نے اپنے سپاہی کو کہا جاؤ اندر اس فقیر کو کہو کہ بادشاہ سلامت بلا رہے، فقیر اندر آیا، بادشاہ نے کہا میں نے نہیں، وہ فقیر نے کہا میں نے نہیں ملنا بادشاہ سے، مطلب میں باہر نہیں آ رہا، ان کو بولو تم اندر آ جاؤ، جب مجھے کام ہوگا تو میں تمہارے پاس خود چل کے آؤں گا، بادشاہ کو اور غصہ آیا، غصے میں اندر آیا، جب اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ فقیر بیٹھا ہے زمین پہ، اس کا ایک خادم ہاتھ میں ایک ٹوکری اٹھائی جس میں بہت سارے سیب ہیں وہ لے کر جا رہا ہے، تو بادشاہ نے سیبوں کو دیکھتے ہی خیال کیا کہ اس میں سے جو سب سے بڑے والا سیب ہے اگر اس فقیر نے مجھے پیش کر دیا تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بڑا ہی کراماتی بابا، یہ سوچ رہا، فقیر نے بادشاہ کو کہا آئیے بیٹھیے ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو، بادشاہ نے کہا سنا، کہا کہ ایک بار میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ تماشائی کھڑے ہیں اور ایک آدمی گدے کے کرتب کا تماشا دکھا رہا ہے، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے گدے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں گا، میرے گدے کو کچھ دکھائی نہیں دے گا اور پھر میں اپنی انگوٹھی آپ میں سے جو لینا چاہے اس کو دے دوں گا، وہ اپنی انگلی میں پہنے اور گدے کو گھما دوں گا، وہ گدا آپ کی اور اس انگوٹھی کی خوشبو سونگتا ہوا آپ کے پاس پہنچے گا، لوگ بڑے حیران ہیں ایسا کیسے ہو سکتا، گدا تو بالکل ہی جاہل جانور، کوئی عقل مند بھی نہیں ہے، چلو جی کرو، اور وہ یہ گدھا یہی کر رہا تھا، جس کے پاس ہوتا تھا اس کا دامن پکڑتا تھا، لوگ تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے بڑا کمال گدھا ہے، یہ قصہ سنانے کے بعد اس فقیر نے ایک بڑا سا سیب اٹھایا اور اس بادشاہ کو پیش کیا، اس کو کہا یہ لو وہ بڑا سا سیب جس کا خیال تمہارے دل میں تھا، یہ کام تو گدھے بھی کر لیتے ہیں، فقیری کسی اور چیز کا نام ہے، فقیر کی جب یہ مثال سنی، بات سنی تو بادشاہ بڑا شرمندہ ہو، تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی یہ والی کرامت کوئی بھی کر دے کہ ہمارے دل کا حال بتا دے، ہمارے ساتھ یہ کر دے، تو ایک کام گدھے بھی کر لیتے ہیں، مرشد کو بہت ہلکا لے رہے ہو تم لوگ، بٹ لائٹ مت لینا ہے، وہ کبھی کبھی کچھ بھی کر دیتا ہے، آپ نے پکڑ لینا ہے اس کا دامن، ابھی وہ دور تو ہے نہیں نا کہ ہماری بہنیں بیبیاں جو گھروں میں ہیں وہ بھی تصوف کی راہ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو سنی سنائی بات پہ جائیں، فلاں بابا بڑے کراماتی ہیں ان کے پاس چلو، اور آپ روزانہ جا کے بہنیں بیٹیاں باپ آپ بزرگ سب جا کے بیٹھے ہو
बच्चे बैठे हों और पूरी पूरी रात उनकी महफिलों में, उनके पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी जीनी, और आपको करामत की बात बता दें और 60 साल गुजर गए, आप तसव्वुफ की राह पे नहीं जा रहे, वो नहीं है। वक्त बदल रहा है चुटकी में, अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ। देखो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे, घोड़े पे, जानवरों पे सफर करते, आप क्यों नहीं करते हो? जितने उलमा हैं वो भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हो? सुन्नतन भाई करो ना। नहीं, लैंड क्रूजर में सफर हो रहे, बॉडीगार्ड भी हैं साथ, पहले तीर कमान होते थे तो अब मशीन गने हैं। अब आप लोग क्योंकि वक्त के तकाजे के साथ चल रहे हो, ये टेक्नोलॉजी भी मेरे रब ने दी है। हम लोग मान नहीं रहे होते, हम कहते हैं ना ना ना, हमें जब तक कोई बड़ा काम नहीं करके देख, हम कामों में उलझे हुए इसलिए फकीरी तक नहीं पहुंच रही। रियाजतें, ये मुशाहदे, ये सब बेकार हैं। वो सुनता है, हर एक सुनता है। एक बंदा था आबिद जाहिर था, वो एक पहाड़ पे बैठ के इबादतें करता था, मेरे रब के लिए चिल्ला कशी करता था, और वो इतना उरूज पे था कि उसको रोटी वोटी की फिक्र नहीं थी। ये फकीर ये फिक्र नहीं करते कि हमने खाना किधर से। वो एक सफेद रंग का परिंदा रोजाना 2 रोटियां ला के उसको देता था और चला जाता, काफी अरसे तक ये चलता रहा। एक दिन वो इबादत कर रहा, वहां एक साहिल आ गया, फकीर आ गया, उसने कहा भूखा हूं रोटी दे, उसने उसमें से 1 रोटी उसको दे दी। फिर इबादत करने लगा, एक और फकीर आया, मुझे रोटी दे दे, इसके पास 1 ही रोटी थी, इसने 2 हिस्से की, आधी उसको दे दी कि मैं आधी खाऊंगा। फिर ख्याल आया कि आधी रोटी से मेरा शिकम, मेरा पेट जो है ये तो फुल नहीं होगा, सैर नहीं होगा, और ना ही उसका होगा जिसको मैंने आधी दी है, तो कम से कम उसका तो हो जाए। उसने अपनी आधी भी उठा के उसको दे दी, भूखा इबादत की और सो गया। ख्वाब में परवरदिगार की आवाज आई, दीदार इलाही हुआ, और कहा मांगो क्या मांगते? उसने कहा मगफिरत चाहता हूं परवरदिगार। कहा यह सबको तो बहुत पहले से अता कर दिया गया था, तुझे मगफिरत और मांग क्या? तो वो जहां वो रहता था उस इलाके में, उस शहर में कहत था, बारिशें नहीं हो रही थी, फसलें उजड़ी हुई थी, तो उसने बारिश के लिए कहा कि परवरदिगार बारान रहमत दे दे, जहमत ना हो, बस बारान रहमत दे दे ताकि सबके घर चल जाए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी आंख खुलने से पहले ही बारिश हो रही थी वहां पे और सारा काम हो गया। यहां परवरदिगार इस तरह से भी देता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपकी रोटियां कैसे चलेंगी, आपकी औलादों का क्या होगा। अगर ये वाला काम करना है तो फिर शरी तकाजे पूरे करते जाओ, वो देता जाएगा, ये उसका वादा है। तसव्वुफ की राह में या फकीरी की राह में जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, अपनी अना को मारना पड़ता है, अपने दिल को साफ करना होता है। यहां एक फर्क बड़ा वाजे तौर पे आप लोगों को, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसको हल्का मत लेना कि आप लोगों ने पूरी रात अगर तहज्जुद पढ़ लिए तो अल्लाह का दीदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रास्ता बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल रास्तों को आसान करता है, बार बार आपको ये कह रहा है, डांट भी पड़ती है इसमें। अगर आप गलत काम करोगे तो टीचर्स डांटते हैं, आप लोगों के मेहमान आए हैं, लेकिन आपका एग्जाम है, आपके बार बार इम्तहान होते हैं, आपको ये करना पड़ता है। और अगर मुर्शिद कोई तल्ख बात भी कर दे तो आपके दिल पे असर ही नहीं होता, मतलब बुरा नहीं लगता आपको, आप समझते हो कि ये तल्ख बात में भी हमारे लिए तवील उम्री की दुआ है, ये होता है ऐसा। तो इबादत के लिए परवरदिगार ने आपको चुना है। ये जो तसव्वुर शेख या तसव्वुर मुर्शिद जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली आप ऐसा है कि जैसे आप प्रैप में हो तो आपको माय बॉडी बताई जाती है, बॉडी के पार्ट बताए जाते हैं, इनफर्नोज, ये आंख है, आंख का काम देखना है जब छोटे होते हैं। फिर आप जो जो आगे आगे जाते रहते हो, साइंस की एक एक किताब पढ़ते रहते हो, मैट्रिक तक साइंस की एक ही किताब होती है, फिर आगे आप जाते हो तो फिजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुख्तलिफ किताबें 2-2, 3-3 होती रहती हैं, और जब आप स्पेशलाइज करते हो तो और मोटी किताबें होती जाती हैं, आप इम्तहान देते रहते हो, और फिर एक इम्तहान आता है जिसको कहते हैं फनाफिल अल्लाह, फनाफिल शेख से होते हुए फनाफिल अल्लाह तक पहुंचते हो और ये सारी की सारी चीजें आप पा लेते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? थोड़ा हार्ड है लेकिन अब कब तक लाइट लेकर चलोगे? ये तो मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए ये बात होती है ताकि आप लोग एक कमाल किस्म की टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ो, आप उस रास्ते के मुसाफिर हो जाओ कि जहां आपको अल्लाह ताला वो सब कुछ अता कर दे और आपको जरूरत ही ना हो उस चीज की, आपको यार मुझे तो इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं। जैसे आपको अपने किसी दोस्त से मिलने की तलब होती है ना कि यार आज तो दोस्त से मिलना है मुझे, इबादतों का यही होता कि हम इंतजार नहीं करते, हम कहते हैं ओ अजान होगी चलो जी पढ़ लें, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं बिल्कुल संजीदा संजीदा, खुशी होती नहीं चेहरे पर, हम इंतजार नहीं करते बार बार कि यार कब होगी,
یہ عشق والے کہتے ہیں کب ہوگی آزان, کب آواز آئے گی, وہ پکارے گا. جیسے محبوب پکارتا ہے نا, سنتے ہو, ادھر آؤ, دیکھنا ہے. اور اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہو تو ننگے پاؤں بھاگو گے, جوتی پہننا بھی گوارا نہیں کرو گے, صرف دیدار کے لیے. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. وہ رب جب کہتا ہے یا یال الفلاح, تو بھاگتے ہو کہ دیدار. صرف نماز پڑھنی ہے تو وہ تو یزید شمر نے بھی نمازیں بہت پڑھی تھی. وہ حسین کی نماز کہاں ہے جس میں دیدار ہو رہا ہے, وہ بول رہے ہیں اور سامنے سے جواب آ رہا ہے. وہ حبیب کہاں ہے, محمد بولے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہی نازل ہو رہی, عشق ہو رہا ہے, محبت ہو رہی ہے عبادت میں بھی. کہہ رہا بس کر دے محمد, راضی ہوں تجھ سے. کہہ رہا نہیں نہیں نہیں, اور چاہیے اور چاہیے. یہ دیدار الہی کچھ اور ہی چیز ہے. تو ہم لوگ عشق میں نہیں پڑھ رہے, ہم خوف سے پڑھ رہے ہیں. مولوی صاحب نے ہمیں ڈرا دیا, بھائی صاحب نماز نہیں پڑھو گے تو یہ, اچھے کام نہیں کرو گے تو سانپ نکلیں گے, گرم تیل میں ڈالیں گے. ایسی باتیں ہیں نا جہنم کے بارے میں, کوڑے مارے جائیں گے, الٹا لٹکایا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اسدا سانپ بھی قبروں میں آئیں گے, یہ وہ. اتنا ڈرا دیا, ہم ڈر کے پڑھ رہے ہیں. جیسے مائیں کہتی ہیں نا, تمہارا باپ آئے آج تمہیں بتاتے, بچہ ڈرتا پڑھ لیتا, جو ماں کہہ رہی ہے وہ کرتی ہے کیونکہ باپ سے مار پیٹے گی, یا پھر اس کی خاص چیز کی لالچ دیتی کہ یہ نہیں کرو گے تو وہ نہیں دوں گی. پھر آپ اس لالچ میں پڑھتے ہو, آپ پڑھائی کے لیے نہیں پڑھتے ہو. یہ عشق الہی کچھ اور ہے یار, اس کے لیے فرض ہے, فرض سمجھ کے مت پڑھو. فرض تو ہے, وہ تو پڑھنا ہے, نہیں پڑھو گے تو سزا تو ہے. یعنی عشق سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ علماء یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے, وہ سر سے پاؤں تک صرف عشق کی بوند ہے. تو جس کو چاہے جو عطا کرے. اب کون ہو, ایک ملک میں اگر سارے ہی کہیں ہندوستان پاکستان میں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو, پریزیڈنٹ بنا دو, سب کو نہیں بنائے گا, وہ کسی ایک کو چنے گا. تو ضروری نہیں ایسی دعائیں مانگو, وہ مانگو جو قبول ہو جائے. تو دعا کا قبول ہونا اٹل ہے, لیکن آپ اس کے عشق میں اور اس کے خوف میں فرق محسوس کرو. اس کے دوست جو ہوتے ہیں نا, دوست دوستوں سے خوف زیادہ نہیں ہوتے, اور میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں کہ چماٹ نہ مار, نہ تو دوست ہے, ملنے جا رہے ہو لیکن ایک سٹیٹس ہے کہ یار ہمارا دوست ہم سے بہت بڑا ہے, ہم تو بڑے معمولی سے کیڑے مکوڑے اور وہ ہمیں اتنی عزت دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زندگی میں آپ لوگوں کو تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے. ڈیفینیٹ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تقدیر معین ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. جو معین ہے یہ 5% حصہ ہوتا ہے, اور معین تقدیر کیا ہے؟ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی وہ 5% ہے. باقی جو 95% ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اب جو 5% ہے, اچھا وہ جو 95% ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نیتوں اور اعمال کے ساتھ ہمارے نصیب کو جوڑ دیتا اللہ. یہ اس کا سسٹم ہے جو آپ کو لوہے محفوظ پڑھ کے بتا رہا ہوں میں. اب آپ جو جو کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کا نصیب بنتا جائے گا. اس میں غلط کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, اس کا ایک نظام چل رہا ہے جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے نظام چلا رہا ہے. دیکھو آسان مثال دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ, ایک اور بزرگ تھے حضرت سری سقطی, حضرت سری کے پاس ایک رات بسر کی. جب رات گزر گئی تو انہوں نے فرمایا جنید سو رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو جناب سری جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پروردگار کا دیدار الہی کیا, ایک بار سامنے کھڑا تھا اور آواز آئی سری جانتے ہو میں نے مخلوق کیوں بنائی؟ میں نے عرض کیا بار الہ میں نہیں جانتا. رب نے فرمایا میں نے ساری مخلوق کو تخلیق کیا. یہ سن لینا, یہ نچوڑ ہے آپ کی زندگی کا. میرا پروردگار کہتا ہے میں نے ساری مخلوق کو تخلیق کیا, ساری مخلوق نے میری محبت کا دعویٰ کیا. ہم سب کرتے ہیں نا, یا اللہ قربان ہم تم پہ, ارے بچے محمد پہ قربان, حسین پہ قربان, بس صرف لفظ ہیں. قربانی کا وقت آیا, دو گے نہیں, جانتا ہوں میں. وہ تو ہو جائیں, شہید ہو جائیں, جو ہوں, تو پھر صبر آتا ہے کیونکہ آپ اس کے سوا کر نہیں سکتے ہو. یہ قربان لفظ کہنا آسان ہے, ہوتا نہیں ہے. اس کو بھی آگے چل کے میں مکمل کروں گا. تو پروردگار کہتا میں نے ساری مخلوق کو تخلیق کیا, ساری مخلوق نے میری محبت کا دعویٰ کیا. میں نے دنیا تخلیق کی 10,000 میں سے 10,000 میں سے 9,000 مجھے چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہو گئے.
क्योंकि इतनी इंटरटेनमेंट है दुनिया में, यार ये तो बहुत फैंटेसी यार चीज। 9000 उसमें मशगूल हो गए, बाकी रह गए 1000। फिर रब फरमाता है कि 1000 जो बाकी रह गए, मैंने जन्नत तखलीक की, तो 1000 में से 900 जन्नत में मशगूल हो गए। वो कौन 900 लोग हैं? जो जन्नत के लिए इबादतें कर रहे हैं। हम अच्छे लोग काम करेंगे, नेकी के काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, बदले में अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करेगा और जन्नत में भेजेगा। तो वो ये दुनियादार है, वो 900 लोग जन्नत में मशगूल हो गए, उनके लिए इबादतें करने लगे। अब बाकी रह गए 100, 10000 में से बाकी 100 रह गए। मैंने उन पर आजमाइश डालना शुरू कर दी कि ये क्यों नहीं जा रहे। आजमाइश डाली तो 90 लोग उसमें से दूर चले गए मुझसे। अब वो कौन है कि जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, रियाजतें कर रहे हैं, बच्चे मार रहा है, जॉब छीन रहा है, कि देखो तो सही तू कितनी मोहब्बत करता है, मुसीबतें दे रहा है, जमीन पे ले आया। वो 90 कहते हैं यार ये क्या बात हुई, हम तो इतने नेक हैं, तो उसके बाद भी ये हो रहा है। 90% चले गए, बाकी रह गए 10। अब वो जो 10 हैं उन पर मसाइब आ रहे हैं, और उन 10 में से एक ये बुजुर्ग हैं जिनसे परवरदिगार ये गुफ्तगू कर रहा है। क्या इतने मसाइब जैसे मैंने तुम पे नाजिल किए, किसी पहाड़ या बुलंद कोहसार पे नाजिल होते तो वो भी हिल जाता, जो जिसको बेजान कहते, बुलंद कोहसार भी हिल के रह जाते। तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुम साबित कदम रहे। तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया कि मौला ये सब कुछ जो तेरी तरफ से ही था ना, तो हम तो राजी हैं। तो उसने रब ने कहा कि तू मेरा सच्चा बंदा है। अब एक बात आप मुझे बताओ, क्या आपका शुमार उन 10 लोगों में होता है? बहुत मुसीबतें हैं जिंदगी में, काम नहीं हो रहे, रुके हुए, हर हफ्ते देखना चाहते हो कि हमारे सितारों में क्या तब्दीली आ रही है, पर आ नहीं रही है। और आती है तो चली जाती है, भाग तो नहीं रहे हो, यह हिस्सा क्यों देखे जा रहे हो? जबकि मैं कहता हूं स्किप दिस पार्ट, डायरेक्टली चले जाओ अपने सितारों पर। क्यों नहीं करते हो स्किप? क्यों नीचे लिखना शुरू हो जाते हो? क्यों देते हो फीडबैक कि हमें यह हिस्सा और ज्यादा चाहिए? तलब है प्यास की, भागोगे तो नहीं? अभी इसके इम्तिहान बड़े और हैं दावेदारों। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग एक अलग हैं। आज तक ये बात नहीं पता बहुत सारे लोगों को, मैं अभी ये करने लगा हूं, फ्यूचर में बहुत सारे लोग इस चीज के दावेदार बन जाएंगे। हमारे जिस्म के अंदर परवरदिगार ने 3.5% इलेक्ट्रिसिटी डाली है, बिजली डाली है, करंट डाला है, 3.5%। फ्यूचर में शायद ऐसा होना शुरू हो जाए, जो कि यकीनन होगा, कि लिथियम बैटरी जो मोबाइल फोन की होती है या स्मार्ट वॉचेस होती हैं, इसकी लिथियम बैटरी को निकाल दे परवरदिगार, उनको अकल देगा, वो 3.5% की कोई एक ऐसी बैटरी ईजाद करेंगे कि जो आपकी उंगलियों में हाथ में आएगी और वो चार्ज रहेगी, और जैसे आपने रखा उसको 5 मिनट, उसने 3.5 इलेक्ट्रिसिटी लेनी, उसके लिए 120, 110 या 440 वाट की बिजली नहीं चाहिए, फिर ये सेफ हो जाएगा। समंदर भी जाहिर है वक्त के साथ साथ अकल आएगी, और फ्यूचर में ये 5-10 सालों में ये हो जाएगा कि आपको किसी बैटरी की जरूरत नहीं। जैसे सेटेलाइट है, अभी मोबाइल फोन के आप डेटा लेते हो किसी से, सैटेलाइट हो जाएगा पूरी दुनिया में, आपको डेटा लेने की जरूरत नहीं, बिल्ट इन होगा फोन के अंदर ही, ऊपर सैटेलाइट से डेटा आ रहा है। तो हमारे जिस्म में एक बिजली है 3.5, ये बिजली हमें फील नहीं होती है, जिसको आप एक लफ्ज सोचते हो कि इसके अंदर से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, ये वाइब्स, ये करंट, ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से नेगेटिव आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो बिजली, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वो नहीं चलते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता। अब आपके वजूद में क्या चीज है? पॉजिटिविटी है। तो वो जो करंट है, वो बिजली जो है, वो अपने उस पॉजिटिव को खींचेगी अपनी तरफ, और नेगेटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी। इस तरह हम एक दूसरे की वाइब्स को फील करते हैं। और आप यहां पर बैठे हो, बीच में एक स्क्रीन है मोबाइल की, लैपटॉप की, किसी भी चीज की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की जिंदगी में करामाते होती, पर गिला नहीं है, बस इसमें से गिले को निकाल देना। एक बुजुर्ग थे, वो एक डहरिये के साथ मनाजरा कर रहे थे, हाकिम वक्त यानी बादशाह देख रहा था कि किसका मजहब सच्चा है, और जितनी मिसालें वो डहरिया भी उतना ही दे दे। बड़ा लंबा मुनाजरा चला, वो जो अल्लाह वाले थे वो बराबर जा रहे थे बराबर, आखिर पे हाकिम वक्त ने कहा भाई इस तरह तो सबूत दे नहीं रहे, आग जलाओ, इन दोनों को आग में फेंकेंगे।
दोनों जल गए तो ठीक है, दोनों का मजहब गलत है और दोनों बच गए या एक बच गया तो ठीक है उसको मान लेंगे। आग जलाई गई मुकर्रर वक्त के मुताबिक, लोहे की जंजीरों से बांधा गया। बुजुर्ग को कहा इसका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ा, कहा दोनों अंदर जाओ। आग में चले गए, चलती रही जलती रही। जब आग बुझी तो देखा दोनों सही सलामत बैठे हुए जैसे एयर कंडीशन में बैठे होते हैं। फिर मामला तो वहीं का वहीं है। जंजीर खुलने के बाद वो बुजुर्ग जो आए अल्लाह वाले, वो मस्जिद में आए, सजदे में आके रोना शुरू हो गए और कहने लगे परवरदिगार तूने मुझे उस बेदीन दहरिये के बराबर कर दिया जो तुझे मानता भी नहीं है। शिकवा किया ना अल्लाह से। गैब से निदा आई कि कह मेरे प्यारे बंदे तू उस बात से अपने आप को परेशान न कर, अफसूदा दिल मत हो, दहरिये का हाथ तेरे हाथ में था इसी वजह से वो आग ठंडी हो गई। अगर वो दहरिया अकेला जाता तो वो जल के राख हो जाता, ये तुम्हारी कुर्बत की वजह से हमने उसको महफूज रखा है। समझ आई आपको मेरी बात कि महफूज अगर आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग हैं तो ये आप पे बड़ी रहमत है। ये मत सोच लिया करो कि यार उसको भी ऐसा कर दिया और मुझे भी ऐसा कर दिया, या सोच है ही नहीं। वो एक बुजुर्ग थे ना जिनका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, भी मौलाना हसन जो थे वो अल्लाह वाले ऐसे थे कि वो टांग का ऑपरेशन है, टांग काटने लगे तो उनको कहा कि जी क्या करना है, अभी जो मैंने बताया तो उनकी टांग को काट दिया गया, एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। डॉक्टर ने कहा बड़ा पेन होगा, कहा नहीं 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 आप ऐसे ही कर दो। ये करने की वजह जानते हो ना क्या है, क्योंकि आप रब की इबादत तस्बीह इतनी गौर खौस से कर रहे हो कि दर्द नाम की चीज ये नहीं होती। तवक्कुल, वो परवरदिगार के ऊपर तवक्कुल बड़ा जरूरी है। तो लेकर आना है आपको अल्लाह के जो बरगुजीदा बुजुर्ग थे एक, वो शाम की तरफ सफर कर रहे थे और तवक्कुल का ये आलम था अल्लाह के ऊपर कि जब रात का वक्त आता तो आप आबादी से दूर कहीं जाते, वहां पे कायम करते थे और आपको रिस्क गैब से आता था। ये तवक्कुल थी कि भाई मैंने जाना है, दूरी रहना, लोगों को इस गैब का पता ना चले। दिन भर सफर करते, रात को इस तरह खाना खाया, सोए और फिर आगे चले गए। वो एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए जो उनसे भी बड़े बुजुर्ग थे कि मैं सआदत हासिल करूं। जब वो उस बुजुर्ग के पास बड़ी मुश्किल से पहुंचे तो उसने बैठने का हुक्म दिया और ये वाले जो बुजुर्ग थे इनके दिल में ख्याल आया यार ये इस वीराने में बैठे हैं, मतलब दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, तो ये खाना कहां से मिलता होगा इनको। ये बुजुर्ग सोच रहे, आपके दिल में ये ख्याल आया तो बुजुर्ग ने आपसे मुखातिब होके फरमाया कि मैं 70 बरस से इस जगह पे बैठा हूं, कायम पजीर हूं, अगर तुम अपनी आरजू पूरी करना चाहो तो यहां ठहर जाओ और तुम मेरा जौक और मेरा सारा इल्म जान पाओगे कि कैसे है। वो रुक गए वहां। जब रात का वक्त आया, मगरिब की नमाज के बाद, एक शख्स गार के बाहर आया, वो जो पहाड़ की कार थी, शेर पे सवार था, वो बेहतरीन किस्म के खाने लेकर आया, रख दिए गए। फिर चंद बुजुर्ग भी वहां आए, उन सब ने खाना खाया, दस्तरखान बिछा दिया गया, जमीन पे ऐसे अपना हाथ मारा तो वहां से मीठे पानी का चश्मा निकल आया, सबने सैर होके पानी पिया और फिर इबादत में मशगूल हो गए। तो ये जो रिस्क के ऊपर हम इब्तदा में भी कहा करामात में हम लोग बैठे हुए हैं कि कोई करामात करेगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे परवरदिगार के लिए रोटियां देना, मनोसलवा उतारना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। काफी लंबा हो गया ये हिस्सा आज, मैं माफी चाहता हूं आपसे क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट 33 मिनट तक आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। इस सफर पर जाना आसान नहीं है ये याद रखना, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होना। दिल से जब आवाज आए कि कौन है आपका मुर्शिद तो हाथ पकड़ना, बैत करना और निकल जाना। और बैत रूहानी है, वो रियाजत सिखाए, जो भी सिखाए, वो जो अता करता है वो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच जाता है। आपकी रिस्क, आपकी मौत, जिंदगी कहीं ना कहीं से आएगा। बढ़िया याद रखना, उससे प्यार करना है, प्यार बेवजह करना है कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिलेगा तो हम अल्लाह को मानेंगे। ना 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 ना, यही तो गलती है। जिस दिन देख लिया ना आपने उसको, दीदार हो गया ना, सोच भी नहीं पाओगे, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस्म के जब आप अहले बैत का जिक्र सोचते हो।
वो हिलते नहीं है अपनी जगह से। 6 महीने के अली असगर के हलक में अगर तीर मारा जा रहा है तो शिकवा नहीं कर रहे कि अल्लाह जी इसने क्या किया था। मासूम सकीना के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं तो शिकवा नहीं है, ये तो बच्ची है। जवानी की सीढ़ियां चढ़ते हुए अली अकबर को अगर छन्नी किया जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं, तो आसमान की तरफ देखा भी नहीं कि कहीं शिकवा ना समझ ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़े माले, तेरी अमानत थी तेरी तरफ आ गई। बीबियों को सरे बाजार ले जाया जाए तो शिकवे नहीं होते। अपने बाबा अली की आवाज में दरबारे यजीदी में खड़े होके खुतबा देने वाले ये जानते हैं कि जो हमारा रब कर रहा है वो सब कुछ सही कर रहा है, फिर शिकवा कैसा। ये काम ना होना, ये जॉब का ना होना, ये रिश्तों का ना होना, ये तो काफिरों को भी किए जा रहा है, उसको दिए जा रहा है। देख रहे हो ना, बंद करो अपनी आंखें, फील करो, अगर कहीं से एक हल्का सा सन्नाटा बोलते हुए दिखाई दे रहा है, बंद पुतलियों में कुछ चिलमिलाते हुए नूर के अंगारे दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो तुम लोग सही ट्रैक पे हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया है अपनी इस रात का आगाज। वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग जो कुछ भी हो, मेरे रब के बड़े प्यारे हो, ये अल्फाज समेटते समेटते भरे ही आपकी उंगलियों के पोरों से खून निकलने लगे। वो रिसेगा लेकिन एक एक बूंद की कीमत आपको देगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तादाद से हमारे सामने आते हो, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको आपके स्टार्स के बारे में बताया जाए। और ये हफ्ता आपका कैसा गुजरने वाला है, ये हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि अब जाहिर है ये महीना बिल्कुल इख्तिताम पे है और आप जुड़ जाओगे नए महीने से, और नए महीने में फिर डेफिनेटली न्यू मून निकलेगा और फिर आप लोगों के लिए जो जो चीजें लेकर आएगा उसके बाद ये साल इस्लामी हिसाब से खत्म हो जाएगा और फिर आप अगले यानी मुहर्रम से जो नया साल शुरू हो जाएगा वहां से आप लोगों की तगोदो, आप लोगों का भागम दौड़ शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आपको ये पेशन गोई जितनी भी चीजें दे रहे होते हैं, ये काम मेरे रब ने करना होता है। और आप लोग इसकी फिक्र ना किया करो कि जी पता नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा होना है नहीं होना, आपके साथ अच्छा ही होगा। Time for Aries. आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले किसकी बारी होती है, सबसे पहले बारी होती है एरीज़ा वालों की, यानी हमल वालों की। और हमल वाले किस तरह तर्क दोस्ती कर लूं, अपने दिल से ही दुश्मनी कर लूं, चंद लम्हों को मुझसे बात करो, चंद लम्हों में जिंदगी कर लूं, तुम भी अपनी सी कुछ खुशी कर लो, मैं भी अपनी सी कुछ खुशी कर लूं, मुतमई है वो इस जुदाई से, किस तरह आंख में नमी कर लूं, तुम भी कुछ तो करो मसीहाई, मैं क्यों दर्द में कमी कर लूं, और कुछ देर मुझको याद आओ, और कुछ देर शायरी कर लूं, आओ कुछ पल को सोच कर तुमको अपनी हर सोच चांदनी कर लूं, आंख से तू मैं रो नहीं सकता, क्यों ना हर लफ्ज शबनमी कर लूं, मैं तेरी सोच के उजाले से दिल के आंगन में रोशनी कर लूं। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो हमल वालों कि आप अपने दिल के उजालों से हर आंगन में रोशनी कर सकते हो, और ये हफ्ता आपकी जिंदगी का बेहतरीन हफ्ता है। मरीख की पोजीशन इस हफ्ते आपके इश्क, आपके कारोबार और आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक नए संग बुनियाद रखने जा रहा है। पहली चीज तो यह है कि आप लोगों के रिलेशनशिप बूस्टिंग पोजीशन से जरा आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों को यह फैसला करना ही करना है। प्लैनेट एक्स के बारे में मैं लाइव शोज में काफी बार बता चुका हूं,
जिन्होंने नहीं देखा वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं रोजाना रात 10-11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मेरे इसी चैनल पे राजा हैदर जो यूट्यूब का चैनल है इस पर आप लाइव देख सकते हो। तो यहां पे जो सिलसिले हैं प्लैनेट एक्स की पावर और आप लोगों के रिलेशन में, ये नई चीजें, नई जिद्दत के हिसाब से नए लोग आएंगे। इसमें से कुछ लोग आपको बहुत टेंशन देने वाले होंगे। आपको अगर एक हफ्ते के अंदर दो प्रपोजल मिल रहे हैं तो उसमें से किसी एक का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल है, ताकि आप लोगों ने किसी एक पे तो जाना है, क्योंकि 2020 आप लोगों की नई जिंदगी, किसी जगह चले जाना, मुल्क से बाहर चले जाना, शादी कर लेना, किसी और के घर में शिफ्ट हो जाना, ये वो वाली सारी चीजें आएंगी। तो इन दो में से इस हफ्ते किसी एक को फाइनल करना है, बुध का दिन या इतवार का दिन जो कमिंग संडे, उसको आप किसी के घर में भी प्रपोजल लेकर जाओगे या कोई आपकी तरफ आएगा, तो ये कंफर्म समझ लेना कि ये वही है, क्योंकि इस बार मरीज और हमल वालों के लिए प्लैनेट एक्स की पावर कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा आ रही है। वो रिलेशनशिप को एक जगह बिठा के रखेगी और ये बड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। अब अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप लोगों की जिंदगी ऐसे 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 करके रिवर्स में जाएगी और उरूज इश्क पे आ जाएगी। आप लोग अगर किसी के साथ कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नई सतह पे इंट्रोड्यूस करवाने वाले सितारे परवरदिगार ने मिल्की वे में भेज दिए हैं, जो आपके कारोबार, रिलेशन और आपकी औलादों के लिए बहुत ही कारामद होंगे। किसी जगह पे कारोबार कर रहे हो तो उसमें तरक्की के चांसेस 6.2% मजीद एक हफ्ते में बढ़ेंगे। अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब स्विचिंग कर सकते हो, टाइम आला है। किसी और मुल्क के लिए अगर तगोदो करनी है तो फिर आपको वेनसडे को अप्लाई करना है, तब आपका ये काम हो जाएगा, जो 100% पे बिल्कुल हो जाएगा। पेपर वर्क सही रखा करो। जो औलाद वाले हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादियों की खुशखबरियां होंगी, लेकिन जिनकी औलादें नहीं हो रही वो बहनें कंसीव कर जाएंगी, क्योंकि ये हफ्ता कंसीविंग पावर के हिसाब से बहुत ज्यादा आइडियल समझा जाता है। करियर को लेकर आप लोगों के लिए नई चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जॉब या अपनी पढ़ाई किसी नई सतह पे ले जाओ, कोई नए सब्जेक्ट का इंतखाब कर लो या नए लोगों का इंतखाब कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी इज्जत, जलाल और मर्तबे में खलल डाल रहे हैं, जो जादू टोने के हिसाब से थे, उसका कोई असर इस हफ्ते नहीं होने वाला है। आप अपने वो वज़ाइफ जरूर पढ़ लिया करो, जिसकी मैं पूरी डिटेल देता हूं, और आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको अल्लाह के करीब कर रही हैं, जो कि आप लोगों के हिसाब से बड़ी ही छोटे पैमाने पे आपको लग रहा होगा कि ये जो भी आप काम कर रहे हो बड़े छोटे पैमाने पे है, लेकिन परवरदिगार की कुर्बत आपको खास तौर पे अपने हिसार में लिए हुए है। जो अभी चांद ग्रहण गुजरा है, इसने आपकी पूरी जिंदगी को हिला के रखा है, जिसमें खास तौर पर आपकी ब्रेन ग्रूमिंग हुई है। अब आप में गुस्से की कमी आना शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है, किसी छोटे या बड़े सफर के लिए तैयार रहिए। और आने वाले दिनों में आपको कोई एक बड़ा सफर जो रिलीजन के ऊपर बेस होता है, किसी श्राइन पे आपको ज़ियारत, उमरा या हज पे भी जाने की एक जरूरत पड़ सकती है, जो कि अचानक ही होगा और आप लोग खुशी महसूस करोगे। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, अगर इस हफ्ते किसी के घर जाना पड़े तो आपको क्या करना, इस हफ्ते अगर किसी के घर जाना पड़े तो आप लोगों को कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो ये चीजें होंगी, एक तो कलर वो पहन के जाना, दूसरा ये कि अगर किसी के घर से कोई चीज खाने को मिले तो कोई परवाह की जरूरत नहीं है, आप खा सकते हो, लेकिन आपने तस्बीहां जो पड़ी हुई पानी पे दम करके पीनी होती हैं वो जरूर पी लेना, कि अगर किसी का इरादा कोई जादू या सिफली का है भी तो वो खत्म हो जाए, भले ही कहीं शादी पे क्यों ना चले जाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद इस चीज से एहतियात कर रहे होते हैं कि किसी से हमने मिलना नहीं है। अगर इस हफ्ते आपके घर में किसी की दावत है या आपकी तरफ कोई आ रहा है तो फिर आप लोग बिल्कुल 100% सेफ हो। आप लोगों को नई राहें, फाइनेंस की नई चीजें खुलने को मिल जाएंगी। प्राइस बॉन्ड लेने के लिए 10% तक आपके बूस्टिंग पावर सितारे हैं, आप ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले भी बड़े खुश होंगे। जायदाद या जमीन के खरीदो फरोख्त के लिए यह हफ्ता बहुत अमेजिंग है। 7.7% तक आपको परसेंटेज ज्यादा प्रॉफिट के साथ मिल रही है। वो स्टूडेंट जो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, आप लोगों के लिए भी बड़ा आला टाइम है। और आप लोगों को एक तरक्की वाले सिलसिले, यानी वो जो टॉप 5 वाले लोग होते हैं, उनमें आपका शुमार शुरू हो जाएगा। किस्मत अब आपका साथ दे रही है। थोड़े से उलझे हुए काम आपके सुलझना शुरू हो जाएंगे। जहां दुश्मनियां चल रही थी या पॉलिटिक्स में हो आप लोग, तो आप लोग अगर मीडिया, ऑनलाइन जॉब या कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, तो आपकी तरक्की के चांसेस ज्यादा है। इज्जत और मर्तबे में इजाफा हो रहा है। दुश्मन आपके मुंह की खाएंगे, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि परवरदिगार इस वक्त आपके लिए क्या चीजें कर रहा है। यानी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप लोगों को
बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी और ये फर्स्ट टाइम है 2019 में कि इतना आला किस्म का हफ्ता जो आप लोगों के दिल को सुकून देगा, बैठे बिठाए आप नींद के आलम में चले जाओगे और आपको ख्वाबों के जरिए भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा जो शायद स्पिरिचुअल लोग हैं जो 10% हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है या कवि हो और या समद हो, ये दो तस्बीहां आपने पढ़नी है या कवि हो या समद हो। जो सदका आपको देना है वो है चावल, आधा किलो चावल, 500 ग्राम चावल, कुक्ड या अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हो, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो कलर आपने पहनना है वो है रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट कलर आप लोगों को पहनना है। जाहिर है जब आप लोगों की बारी आ जाती है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंतजार होता है कि हमारे बारे में भी कुछ कहा जाए, और वो हमारे प्यारे लोग कौन से हैं जानते हो? Time for Taurus. स्क्रीन पे नजर आ तो रहा है टॉरस वाले, तूने किस आग में जल जल के गुजारे होंगे, कभी लफ्जों में थकन तूने समेटी होगी, कभी कागज पे फकत अश्क उतारे होंगे। ये भी मुमकिन है कि गुजरा हुआ लम्हा लम्हा जिसको मैं आज भी सीने से लगा रखता हूं तेरे नजदीक फकत याद की परछाई हो, दूर की जैसे तेरी उससे शनासाई हो, जिस तरह धूप दिसंबर के दरीचे से लगी बेइरादा कहीं आंगन में उतर आई, जैसे महफिल में किसी शख्स की तन्हाई है, जैसे महफिल में किसी शख्स की तन्हाई है। आप बहुत तन्हाई फील करते हो, आप महफिल में होते हुए भी खुद को अकेला गिरदाते हो, लेकिन अब ये सारी तन्हाइयां खत्म होने का वक्त है। जितने भी टॉरस यानी सौर वाले हैं आपके लिए जोहरा सितारा पावर एनर्जी रिलेशनशिप बूस्टिंग लेकर आया। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि टॉरस वाले जितने स्टूडेंट्स हैं इस बार परेशान ना हो, आपको आपकी सोच के मुताबिक कामयाबी भी मिलेगी, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन चाहते हो वहां भी मिलेगा और तरक्की होगी आपकी। आप लोगों के लिए सब्जेक्ट चेंज करना या स्विच करना बहुत आसान है, यही वक्त है जिसमें आप फैसला कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना। कारोबारी सतह पर जितने लोग हैं उन लोगों को 18% तक प्रॉफिट वन वीक के अंदर जो बूस्टिंग पोजिशन है वो 18% है, क्योंकि प्लैनेट एक्स की पावर इस वक्त आप लोगों को नए नए कारोबारों में धकेलने की कोशिश करेगी। जिस कारोबार में ऑलरेडी हो उसमें प्रॉफिट की रेशियो बहुत बढ़ रही है, हो सकता है कि आप किसी नए बिजनेस की तरफ भी हाथ उठा लो कि हमें इस तरफ भी जाना है, नए किसी कारोबारी पार्टनर के साथ भी आप जा सकते हो, सोलो प्रोप्राइटरशिप में भी जा सकते हो, जो आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां है। आप लोगों के मराकबे या वजायफ आप लोगों को पे कर जाएंगे, यानी रूहानियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है जो 3.2% से बढ़ जाएगा। फैमिली में कोई भी बुजुर्ग अगर बीमार है, आपके अपने माँ बाप बहन भाई जो भी इन लॉज में से होते हैं वो आपकी तवज्जो चाहते हैं, अगर हो सके तो उनकी हेल्प जरूर कर देना। बहुत सारी चीजें जो रुकी पड़ी हैं जैसे रिलेशनशिप में अभी तक बूस्ट नहीं आ रहा है, वैसा जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो लोग भी रिवर्स पोजीशन पे जाएंगे, उन लोगों की शादियां मोहब्बत वाली सिचुएशन में आ जाएंगी। जिनकी तलाक हो रही है उन लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप लिख दिए गए, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और वो लोग जो अभी शादी करना चाहते हैं और इंतजार में हैं कि जी हमारे लिए कोई बेस्ट इंसान फरिश्ता सिफ्त नेक बंदा या बंदी हमें मिल जाए, वो इस हफ्ते आपके दर पे दस्तक हो सकती है। जो भी कोई आएगा उसका मैच करवाने के बाद आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो ऑलरेडी काफी अरसे से पाइपलाइन में चल रहे हैं उन लोगों को भी यही कहेंगे कि भाई साहब आप लोग तैयार रहो क्योंकि ये बड़ा चटमंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला होने वाला है। जोहरा सितारा जितने भी हैं टॉरस वालों के सफर की बहुत ज्यादा हाईलाइट पेशन गोई कर रहा है कि अचानक ही सफर दरपेश आ सकता है। जो भी वीजा या इमिग्रेशन के काम रुके हुए थे वहां से यस का जवाब आ जाएगा और आपको जल्दी साजो सामान बांध के ट्रेवल करना होगा, लेकिन अभी आपके काफी सारे सफर बाकी हैं। अगर आप कहीं मुस्तकिल रिहायश पजीर होना चाहते हो तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत आला है। अगर आपने अब तक वीजा सबमिट नहीं किया तो थर्सडे को कर देना, बहुत आला टाइम है। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज जो बने हुए थे वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। हड्डियों के अमराज में मुब्तला लोग या दिल या फिर शुगर के जितने भी मरीज हैं उनको 7.1% तक नीचे आएगा, यानी हेल्थ बेहतरी की तरफ आएगी, जिसमें आप अपनी मेडिसिन को जारी रखो और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दो। इस वक्त प्लैनेट एक्स की पोजीशन आप लोगों के हक में बड़ी आला है।
प्रॉफिट होता जाएगा, आप लोग किसी नए बिजनेस में जैसे इन्वॉल्व हो रहे हो उसी तरह मुकदमात के लिए भी आपको सोचना चाहिए। माफ कीजिएगा, अगर कहीं आप लोगों ने किसी पे मुकदमा किया हुआ या आप पे किसी ने किया तो विनिंग पोजीशन आपके हिस्से में आ जाएगी। अगर आप लोग बैंक से कर्जा लेना चाहो तो ये टाइम बिल्कुल राइट है। इस हफ्ते अगर आप लोहा बेचना चाहो तो अच्छा नहीं है, यानी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी भी चीज में लोहा आता है वो आप नहीं बेच सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी सेल एंड बाय कर रहे हो तो इस हफ्ते रोक के करना, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए नए लोग उनकी जिंदगी में आ जाएंगे जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो उंगली पकड़ के कितने दूर तक जाएंगे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। टॉरस वालों, तस्बीहां क्या पढ़नी है आपको इस हफ्ते? एक तस्बीह आपको पढ़नी है या लतीफो, और एक तस्बीह पढ़नी है या मुकीतो, या लतीफो या मुकीतो। कलर पहनना है येलो एंड व्हाइट। सदका आपको देना है चने की दाल 250 ग्राम अनकुक्ड हालत में, और यही आप इतनी तादाद के आप पैसे भी दे सकते हो जो कि बहुत जरूरी है। टाइम फॉर जेमिनी। बहुत सारे लोगों को इंतजार होता है कि जी हमारे सितारे जिस वक्त आप बताते हैं तो हमें खुशी होती है। स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये जो जुड़वा लोग हैं ये बड़े ही खास किस्म के लोग होते हैं जिनको जेमिनी कहते हैं। जोजा, मैंने एक पल को तेरा नाम लिया था शायद, नींद नाराज रही रात मेरी आंखों से, ख्वाबजारों का तसव्वुर भी हुआ ख्वाबनुमा, दिल की हर ताल हुई दर्द की आहट जैसे, सोच में खुलने लगे फूल कई माजी के, तितलियां जैसे कई लफ्ज मुझे याद आए, तेरी आवाज की खुशबू, तेरे लहजे की खनक, तेरी आंखों की शरारत, तेरे होंठों की महक, तेरे बोले हुए जुमलों की वो खामोश कसक, देर तक रात रही फिर तेरी यादों की धनक, कितने आंसू मेरे लफ्जों में ढले याद नहीं, कब तलक याद के ये दीप जले याद नहीं, मैंने एक पल को तेरा नाम लिया था शायद, नींद नाराज रही रात मेरी आंखों से। आपकी आंखों से नींद क्यों नाराज है जानते हो? बहुत ज्यादा लोडेड हो, बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। जेमिनी जोजा वालों, अतारट यानी मरकरी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि अब आप लोगों की सोचों का तिलस्म जो है वो दूसरों के ऊपर जाएगा, वो जादू चढ़ के बोलेगा। अब आप उन लोगों में शुमार होना शुरू हो जाओगे जहां पर लोग मिसालें देंगे कि जेमिनी जैसा होना है वरना हमने नहीं होना है। इस वक्त जेमिनी की पोजिशन फाइनेंस को लेकर 19% बूस्टिंग पे है, यानी एक हफ्ते में अगर 19 है तो सोचो ये 3 महीनों की इकट्ठी कमाई होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है, रुकी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है। थोड़ा सा फोकस कर लो, राबते बढ़ाओगे तो आप ये सब कुछ अचीव कर सकोगे। नए आने वाले दिनों में नया कारोबार करना चाहो किसी पार्टनर के साथ तो बहुत फायदा रहेगा। खुद के पैसे लगाने चाहो किसी नए बिजनेस में तो फिर सोच लेना कि आप लोगों को इसका जो प्रॉफिट आएगा वो 6 मंथ के बाद आएगा, फौरन नहीं होगा। किसी भी बिजनेस में जहां आप जॉब कर रहे हो वहां तरक्की के चांसेस बन चुके हैं, आप अपने मुतलका जो भी बॉसेस हैं लोग हैं उस महकमे से रब्ता कर सकते हो। आपकी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है जो बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अब तक लोगों का ये ख्याल होता है कि जेमिनी वाले सिर्फ अपना सोचते हैं, वक्त के साथ साथ बहते हैं, जहां पर इनको किसी चीज का फायदा या लालच होती है वहां जाते, जबकि ऐसा नहीं है। आप हमेशा वो करते हो जो आपका दिल चाहता है, आप वो करते हो जो आपके अंदर से आवाज आती हो, वो राइट होता है, उस वक्त का वही तकाजा होता है, उसको कोई कोई भी नाम दे दे इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वही लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे। तो जोजा वालों, ये तो मजेदार चीज हो गई, यानी अगर आप मीडिया, पॉलिटिक्स, सियासत, फनून लतीफा, ऑनलाइन बिजनेस, टीचिंग, ब्यूटी का कोई बिजनेस करते हो, फैशन डिजाइनर हो आप लोग, वकील हो या मार्केटिंग का बिजनेस करते हो, इन सब में आपकी कामयाबी बहुत ज्यादा, इसी काम से जुड़े रहो। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्रेन बूस्टिंग पोजीशन यानी टॉप 3 पे चले जाओगे। आप लोगों के लिए जितने भी विरासती रकम रुकी हुई थी, जायदाद के मुकदमात चल रहे थे, उस सब में विनिंग पोजीशन इस चांद ग्रहण के बाद अब उरूज पे आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अल्लाह के करीब होने की वजह से बहुत दर्द दिल रखते हैं और दूसरों को माफ करने की पोजीशन रखते हैं। आप अपने आप को अगर माजी में देखो 7 ईयर्स बैक और अब मैं जमीन आसमान का मिजाज में फर्क आया, इसी तरह बाप की इज्जत मर्तबे में इजाफा होता रहेगा, अब आपको कुछ रोक नहीं सकता। इमिग्रेशन के सारे मसाइल इसी हफ्ते हल होते हुए नजर आ रहे हैं,
आप लोग अगर किसी और मुल्क में ट्रैवल करने चाहो तो प्लान कर लो, क्योंकि आने वाले एक महीने के अंदर अंदर आप प्लान कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। जायदाद बेचना चाहो, सेल करना चाहो, लेना चाहो, यह हफ्ता आपके लिए बेहतर है। प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 18% तक प्रॉफिट वाली रहेगी, अगर करना चाहो तो ले लो, आगे हो सकता है कि परवरदिगार 1% चांस भी लेना चाहे। अगर आप स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हो तो फिर आपको शेयर्स इस हफ्ते थोड़े कम लेने पड़ेंगे। आप लोग अगर किसी ऐसी जगह पे मंसूब हो जहां पे लोहे का या फूड का बिजनेस होता है, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। आपको मेंटली आपको तैयार रहना है कि कुछ लोग आपको बुरी नजर लगवाएंगे, लेकिन उस बुरी नजर न लगने का एक तरीका यही है कि आप सदका दे दो, अपने नाम का कलर पहन लो और वज़ाइफ पढ़ लो। फिर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि नींद ज्यादा आती है, जिस वक्त वो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें दर्द है या कुछ भी, उसमें नींद आ जाती है, तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें नहीं देता। लेकिन नजरबद से बचने की कोशिश करना। हो सकता है कि इस हफ्ते किसी के घर आना या जाना पड़ जाए तो आप लोगों की निगाह आप पे रहेगी, जिसकी वजह से वो नजरबद वाला सिलसिला होता है। आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को खास टाइम देना, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हीं की दुआओं की वजह से शायद आप कामयाबी की सारी सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। जिनकी औलादें नहीं है उनकी औलादें हो जाएंगी, और जो औलाद वाले हैं उनकी सेहतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और उनके तरक्की के चांसेस बहुत हो जाएंगे। जोजा वाले शायद उन खुशनसीब लोगों में हैं कि जो अभी मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना होने वाला है। अगर आप लोगों के कान में वैसे ही गैबी कान अता हो जाएं और कहीं से कोई आवाजें आना शुरू हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप लोग जो भी वजायफ पढ़ रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, प्लैनेट एक्स की वजह से परवरदिगार आप लोगों को वो बातनी कान अता करेगा कि आप दूसरी लोगों की या दूसरी मखलूक की चीजें भी सुन सकोगे। इसको कवर कैसे करना है, इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे जेमिनी वालों के लिए, ताकि आप उस पर काबू पा सको। इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्बियां या सलामो या जुलजलाल वाले क्राम, ये दो तस्बियां या सलामो या जुलजलाल वाले क्राम, मस्टर्ड एंड ब्लू कलर आपने इस हफ्ते पहनना है। और आप लोगों को जो सदका देना है वो है बाजरा, बर्ड फूड। बर्ड फूड आपने बहुत जरूरी देना है, क्योंकि या उसी तादाद के पैसे दे दो, वैसे तो एक पाव होता है, आप दे सकते हो। टाइम फॉर कैंसर। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी सरतान, हमारे कैंसर वाले जितने भी दोस्त हैं उनके लिए सांस लेना हुआ महाल मुझे, अब मोहब्बत से तू निकाल मुझे, अब मैं तेरी ही जिम्मेदारी हूं, खो ना जाऊं कहीं संभाल मुझे, अब बहलता नहीं मैं लफ्जों से, अब ना देना कोई मिसाल मुझे, सबके बारे में सोचता हूं मगर खुद का रहता नहीं ख्याल मुझे, जाते जाते वो किस लिए पलटा, अब सताएगा ये सवाल मुझे, जो तेरे बिन गुजार ना ठहरे एक सदी सा है एक साल मुझे, साफ कह दे जो तेरे दिल में है इन बहानों से अब न टाल मुझे, याद रखना न भूल पाया ऐसी बात का मलाल मुझे। आप सबके बारे में बहुत सोचते हो कैंसेरियन, कोई आपके बारे में ऐसे नहीं सोचता जितना डीपर आप जाते हो। रिश्तों को निभाना कोई आपसे सीखे, आप लोग वफाओं की इंतहा हो, मोहब्बत जिससे हो जाए आपको लगता है कि बस आपका दिन रात यही है, वो औलाद है, महबूब है, कामकाज के रिलेशंस हैं, बहुत ज्यादा मुस्तकिल मिजाज हो। आप लोग जिस चीज को एक दफा सोच लो उसमें कामयाबी 100% मिलती है, लेकिन लोग एक वाहिद स्टार कैंसेरियन है जिसको मैजिक जादू टोना या सिफली इल्म से ही रोक सकते हैं, उनकी उन ताकतों को वैसे रोका नहीं जा सकता। ये हफ्ता आपकी कामयाबियों का हफ्ता, इसमें उड़ना चाहो तो उड़ो, रोक नहीं पाएगा आपको। आपकी मारिफत की जो गुफ्तगू है वो, आपकी हिस्से मजा, आपके मोहब्बत के जो जुमले हैं, ये सबके दिलों में घर कर जाएंगे, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप लोग दूसरों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस हफ्ते आपको कामयाबी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कमर की पोजीशन इस वक्त कैंसेरियन के लिए बहुत स्ट्रांग है। प्लैनेट एक्स आप लोगों के सारे माली मुश्किलात खत्म करके एक नए दौर में दाखिल कर देगा आपको, जिससे आप लोगों को सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है। जितने भी बैड असरात मुख्तलिफ चीजों के थे वो खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस हफ्ते अगर जायदाद खरीदना चाहो तो गोल्डन टाइम है, सेल करना चाहो तो गोल्डन टाइम है, प्रॉफिट रेशियो 18% होगा।
अगर आप लोग किसी और चीज में पैसा लगाना चाहते हो तो पार्टनरशिप के साथ लगाना, सोलो इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते मत करना, नेक्स्ट वीक पे हम देखेंगे कि अभी क्या पोजीशन है। किसी के घर अगर रिश्ता लेकर जा रहे हो या कोई आपके घर में आएगा तो यह समझ लो कि 43% मैच डायरेक्टली है, बिना हिसाब किए, यानी कि अच्छा मैच है। आप लोग उसके साथ गुफ्तगुनीत करके उस बात को, उस रिश्ते को आगे की तरफ ले जा सकते हो। कुछ उलझे हुए मामला सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों के खास तौर पे रिलेशनशिप का जो टूट फूट था वो अब आप लोग रिलेशन को निभाने के लिए भी तगोदो करोगे। अगर अदालत में कोई मुकदमे चल रहे हैं तो फैसला आपके मुताबिक हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप मुल्क से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है टेंशन में या खुशी में हिजरत करो और वही फायदा देगी। किसी और शहर, मुल्क या घर में अगर आप तब्दीली चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए बड़ा आइडियल है। मजहबी रसूमात के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। जल्द अज जल्द आपको कोई सफर दरपेश आ सकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना इस वक्त टेंशन देखनी थी या पैसे का ज्यादा देखना था वो हो गया, अब सिर्फ सेविंग का टाइम है। अपने घर के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आप लोग बुनियाद रख सकते हो, पेपर वर्क कर सकते हो। आप लोग अगर कैटरिंग के बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स या मीडिया में हो तो आप लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे, पैसे की आमदन का तरीका बढ़ जाएगा। आप अपने अंदर 19.7% लेकिन 19% तक आप एनर्जी महसूस करोगे, भागते फिरोगे। तो ये जो एनर्जी है आप लोगों को दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद करती हुई नजर आ रही है। कोई भी फैसला बिना पढ़े आपने साइन नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पेपर या जो भी आप चेकबुक साइन करते हो उस पे आपको बड़ा गौर खौस करना पड़ेगा। खाब के जरिए कुछ खास राज या कुछ खास लोगों के चेहरे से पर्दे हटाए जाएंगे, उसकी ताबीर किसी सही सच्चे आलिम से पूछ लेना, वो उसका जवाब आपको दे देगा। वरना आप हमारे प्रोग्राम में भी आके खाब की ताबीर ले सकते हो, मैं बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस वक्त आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो आपकी जड़ें काट चुके हैं। हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, किसी पे कोई रिएक्शन मत देना वरना बहुत नुकसान उठाओगे। इस हफ्ते अगर कमर में दर्द हो या पेट की किसी मर्ज का आपको इंडिकेशन आना शुरू हो तो घबराने की जरूरत नहीं। स्टार मूवमेंट चेंज होने की वजह से ऐसा होता, कोई भी पेन किलर या मेडिसिन ले लोगे, हेल्थ के इश्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 9.2% तक हेल्थ कवर हो रही है, खासतौर पर वो जिनको किडनी या मैदे की दवाइयां खा खा के प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस हफ्ते दो तस्वीरें जो पढ़ोगे, एक तस्वीर है या मुकदमों और एक तस्वीर आपने पढ़नी है या नाफियो, या मुकदमों या नाफियो। कलर पहनोगे फिरोजी रंग यानी स्काई ब्लू आप पहन सकते हो और ब्लैक, ये दो कलर आपको पहनने होंगे। जो आपको सदका देना है वो सूजी का सदका है, एक पांव कुक्ड या अनकुक्ड हालत में, दोनों सूरतों में आप दे सकते हो। टाइम फॉर लियो। और आपके बाद कौन लोग इंतजार में होते हैं कि जी हमारी बारी आ जाए, वो है लियो वाले, असद वाले, तैयार हो जाओ क्योंकि आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें हैं। तेरी मजबूरियों से वाकिफ हूं, तूने पहले भी कई बार मुझे ऐसे देखा था कि जैसे मुझे देखा ही ना हो, ऐसे सोचा था कि जैसे मुझे सोचा ही ना हो, ऐसे छोड़ा था मुझे राह में अक्सर तूने, जैसे मुझसे कोई रिश्ता कोई नाता ही ना हो, जैसे तूने मुझे और मैंने तुझे चाहा ही ना हो। मसलहत ओढ़ के चाहत को छुपाए रखा, अपने हर रास को सीने से लगाए रखा, और मैं जो तेरी मजबूरियों से वाकिफ था, तुझको देवी सा ख्यालों में सजाए रखा, हर निशानी को तेरी मैंने मुकद्दस जाना, तेरे हर अक्स को आंखों में बसाए रखा। लेकिन तूने क्या किया मेरे साथ, यही शिकवा रहता है हमेशा असद वालों को कि अपना खून निचोड़ के अगर किसी को पिला दिया लहू लहू बूंद बूंद और बदले में वफा नहीं मिली, तो शम्स इस हफ्ते आपको उन वफाओं का सिला देने वाला है। असद लियो वालों, आप लोगों की शम्स का इस हफ्ते प्लैनेट एक्स की वजह से आपके दुश्मन नेस्तो नाबूद होने वाले, वो भी आपके गर्विदा हो जाएंगे और नए नए आइडियाज आपको देना शुरू कर देंगे। इस वक्त आप असद वाले जितने भी चीजों में पैसा लगा रहे हैं, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या किसी पार्टनर के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों की तरक्की बहुत ज्यादा है। फायदा इस वक्त होने वाला है आपको 10.2%, ये एक वीक का है। आप हो सकता है कि किसी दूसरे शहर या मुल्क में सफर भी करो, छोटा या बड़ा सफर होगा, वसीला सफर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग जो आपके दुश्मन थे वो इर्द गिर्द आएंगे जरूर, मंडलाएंगे जरूर, लेकिन आपने किसी को कोई रिएक्शन नहीं देना। इस हफ्ते आपको थोड़ा गुस्सा जरूरत से ज्यादा आएगा, लेकिन पी जाना। पहले बताने की वजह प्लैनेट एक्स की वो हिद्दत है जो आपको शायद, जो गलत लोग आपके उस सफर में शामिल होते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप दिमागी तौर पर बहुत हाइपर हो जाते हो। यह हफ्ता वैसा है, इसलिए आप वो तस्बीहां पानी पर दम करके पी लेना ताकि कूल रहो। यह हफ्ता आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए आ रहा है। जो लोग काफी अरसे से तवील बीमारी का शिकार थे वो इस हफ्ते 27% तक बीमारी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्लैनेट एक्स की पावर मिल्कि वे में इस वक्त आपकी अंदर की सारी उन खामियों को खत्म करने के लिए आई है। नजरबंद लगने के चांसेस 5.7% है, इसलिए किसी के भी घर आना जाना पड़े असद वालों तो बड़ी एहतियात से जाना है आपको। तस्बीहां पढ़ लेना, कलर पढ़ लेना ताकि आप नजर से महफूज रहो, और सदका जरूर दे देना। बहुत सारे लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए प्रपोजल 2 आएंगे। आप लोगों के लिए दोनों गैर खानदानों से आएंगे। परसेंटेज 49% तक मैच करेगी, इसलिए क्विक डिसीजन ले लेना, ज्यादा इंतजार मत करना। आप लोगों को हो सकता है कि कहीं से रुकी हुई रकम भी आपके हाथ आ जाए। आप लोगों के काम हो जाएं और जितने भी आपने प्लानिंग की है उसका आपको सिला मिलना शुरू हो जाए। रुके हुए जितने भी काम हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, अदालतों में मुकदमात चल रहे थे, जायदाद से रिलेटेड कोई चीज थी, उसमें बेहतरी आ रही है। आप लोग अगर गारमेंट्स का काम करते हो, आप लोग लोहे का काम करते हो, फूड का बिजनेस करते हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, मीडिया या ऑनलाइन का कोई बिजनेस करते हो, तो समझ लो सक्सेस रेट 107% तक जाएगा। आप लोग इस हफ्ते लॉटरी मत लेना, कमेटियों में हिस्सा मत लेना, क्योंकि ज्यादा चांसेस नहीं है। आप लोगों के रिलेशन इस वक्त बूस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहब्बत का ये आलम है कि 27% एक हफ्ते में बूस्ट करना कितने संभालोगे पाजी, तुसी इतनी मोहब्बत है, बांट दें, दान कर दें, लेकिन ये मोहब्बत का यह सिलसिला रहेगा। और जितनी भी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले हैं वो इस हफ्ते बिल्कुल ना लें। आप लोग अगर गैर औलाद वाले हो तो औलादें नरीना के स्टार्स इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं कि अगर जो बहनें कंसीव करती हैं तो उनके यहां औलादें नरीना होगी। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस स्ट्रेस में थे कि उनके रिलेशन टूट जाएंगे तो उनको आगे क्या मिलेगा, या कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए आप सोच रहे थे कि अभी हमें करना क्या है, सोच लें, क्योंकि आप लोगों के लिए नए रिलेशनशिप परवरदिगार ने लिख दिए जो आप लोगों की उंगली पकड़ के बहुत दूर तक जाएंगे। आप लोग हमेशा वफा करते हो तो बदले में चप्पल मिलते हैं, आप लोग इबादतें करते हो उसका सिला नहीं मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला असद वालों। इस बार परवरदिगार की तरफ से आपके इम्तहानात पूरे हो गए और आपको जल्द अज जल्द उस मकाम पर पहुंचाया जाएगा जिसके आप खां हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ की मिलने वाली है, वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वही इस हफ्ते जरूर कर लेना, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है, या शहीद हो या मुईद हो, या शहीद हो या मुईद हो, कलर पहनना है ग्रीन एंड व्हाइट। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है असद वालों, वो देना है मूंग की दाल। मूंग की धुली हुई दाल 250 ग्राम अनकुक्ड हालत में आपने देनी है और यही आपकी कामयाबी का सिलसिला बन जाएगा। Time for Virgo. समझ रहे हो आप? आप समझ रहे हो तो ये नहीं समझेंगे जो कुंवारी लड़की वाले हैं। अरे ये सब समझते हैं, ये बहुत गुन्ने होते हैं, बस बोलते नहीं हैं। उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा था, जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया। ये सुंबला वाले ही हैं, मरकरी इनकी जिंदगी में आके हलचल मचा देता है। मेरे हमदम, मेरे साथ ही तुम्हें तो याद ही होगा, वो दिन क्या खास था जब तुम मेरी हस्ती में आई थी। मेरी बेरंग दुनिया को तुम्हारी मुस्कुराहट ने हजारों रंग बख्शे थे, उसे कैसे सजाया था तुम्हें तो याद ही होगा। तुम्हें मैंने बताया था कि मैं ख्वाबों में रहता हूं, मगर तुम एक हकीकत हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। फिर इसके बाद सब मौसम, सभी मंजर तुम्हारी आंख से देखे, तुम्हारे साथ जो गुजरे वही पल जिंदगी ठहरे, तुम्हें तो याद ही होगा। मुझे कब याद रहता था, मुझे क्या काम करना है, मुझे किस किस से मिलना है, कहां जाना जरूरी है, खफा कोई है क्यों मुझसे, किसे जाकर मनाना है, मुझे कब याद रहता था। मेरा मामूल तो तुम थी, तुम्हें सब याद रखती थी मैं, अपने दिल की सब बातें फकत तुम ही से करता था। तुम्हारी भी यही आदत थी, तुम्हें तो याद ही होगा।
कि अक्सर तुमसे कहता था अभी इस जिंदगी के साथ कितने रोग लिपटे हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत की जरा फुर्सत नहीं मिलती, जरा सा वक्त आने दो, जरा फुर्सत मिले मुझको बिठाकर सामने तुमको मैं जी भर के देखूंगा, बताऊंगा तुम्हें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे इस दम मिली फुर्सत के जब ये बात सुनने को नहीं हो सामने मेरे, मेरी जान तुम वहां पर हो जहां से लौटकर वापस कभी कोई नहीं आता, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी थी मेरा इकरार सुन लेती, मेरा इजहार सुन लेती कि अब फुर्सत ही फुर्सत है, कि अब मामूल में मेरे फकत तुमसे मोहब्बत है, मगर यह भी हकीकत है कि मैं ताखीर से पहुंचा, तुम्हें जाने की जल्दी थी, तुम्हें जाने की जल्दी थी, लेकिन आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होगी इस वक्त, क्योंकि वो जल्दी के रास्ते आपकी जिंदगी में खुद ही आने वाले हैं। वर्गो दुसुम्बला वाले जिनकी जिंदगी में आतारड़ ने आके हलचल मचा दी है, अब आपको मोहब्बत से कोई खिलार रहेगा नहीं। आप लोगों के रिश्ते सच्चे हैं, आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उस मकाम पर पहुंच जाओगे इस हफ्ते जिसको आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए प्लानिंग की है, खासतौर पर इमिग्रेशन से रिलेटेड और वजीफे जितने भी आपने किए हैं ताकि आपके वीजाज लग जाएं, वो सब पाया तकमील पर पहुंचेंगे। अगर आप लोगों ने वीजा के लिए अभी तक सबमिशन नहीं की है तो आप लोग कर सकते हो बुध वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। आप लोगों की ताकतों को देख के अब लोग आपसे सबक लेंगे, आप लोगों की राह को फॉलो करते हुए आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में जिसमें भी आप काम करते हो, चाहे वो फूड है, चाहे वो ब्यूटी है। इस वक्त आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये लॉन्ग टर्म होंगे। आप लोगों की जिंदगी में जो भी लोग जुड़ने वाले हैं वो आप लोगों के साथ हाथ पकड़ के बहुत दूर तक जाने वाले हैं। वर्गो यानी सुम्बला वालों, इस वक्त आप लोग जिससे मोहब्बत कर बैठे हो या मोहब्बतें कर रहे हो उसका बहुत बड़ा सिला मिलने वाला है। आप किसी और दुनिया में सफर करने वाले हो। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो तो फिर डूबते जाओगे। डूबना अच्छे सेंस में यहां इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि प्लैनेट एक्स आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की जगह लव ब्लड सेल्स डाल चुका है। अब आप लोग जिसकी हाथ या उंगली पकड़ोगे वो दूर तक का सफर होगा जिसमें रूहानी सुकून भी मिलेगा। परवरदिगार के रास्ते पर चलने वाले लोग सदकात खैरात जो करते रहते हैं उन लोगों को एक बड़ा इनाम मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो राइट टाइम है, अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो राइट टाइम है। 58% तक आप लोगों का ब्रेन बूस्ट कर रहा है। तालीमी सरगर्मियां भी उरूज पे रहेंगी लेकिन सफर भी दरपेश आ सकता है वर्गो वालों को, इसलिए आपको इंतजार करना है। अगर आप लोगों के शरीक हयात है और वो किसी और रिलेशन में है तो फिर भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसकी रिप्लेसमेंट परवरदिगार आप लोगों की जिंदगी में कर चुका है या फिर करने वाला है। अब आप लोगों को उस स्ट्रेस से निकलने का टाइम खुद ब खुद अल्लाह ताला दे देगा जिसने आप लोगों को अधूरा कर दिया। आप लोगों ने अपने आप को वक्त नहीं दिया लेकिन असल चेहरे आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप लोग अगर किसी का हाथ पकड़ के दूर तक जाने की तमन्ना किए हुए हो तो यह समझ लेना यह वही टाइम है। इस हफ्ते रिश्ते आ सकते हैं। खानदान या खानदान से बाहर की परसेंटेज 49% तक रहेगी जो बहुत अमेजिंग होती है। आप लोग जल्दी डिसीजन ले लेना कि आपको शादी करनी है, मोहब्बत या मंगनी, क्योंकि प्लानिंग के बाद आप लोगों को दूसरे मुल्कों, दूसरे शहरों में ट्रैवल करना है। जो अधूरे काम है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आपने बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी तो उसका जवाब 100% यस में आने वाला है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी सेल एंड बाय करना चाहते हो तो उसका जवाब यस है। इस हफ्ते प्रॉफिट रेशियो 9% मजीद बढ़ जाएगी। आप लोगों के लिए तयशुदा जितने भी काम है उसमें थोड़ी सी डिले हो सकता है, वक्त के मुताबिक हो सकता है ना हो, कुछ दिनों का फासला आ जाए लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यह आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है। अपने जिस्म की ख्याल रखना है, खासकर तथहीर का, अपनी बैकबोन का और पाओं का खास ख्याल रखना है आपने। यह हफ्ता आपकी हेल्थ को 3.7% तक बूस्ट करेगा रिवर्स में, जो लोग काफी अरसे से बीमार थे। आप लोगों के लिए तयशुदा प्रोग्राम जितने भी मेरे रब ने रखे हैं अब आप लोगों के सामने एक एक करके आ जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो बड़ा फायदा उठाने वाले हो, आप भी और आपका पार्टनर भी। आप लोग अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो राइट टाइम है आपके लिए। जल्द अज जल्द सफर की प्लानिंग कर लो क्योंकि दरपेश सफर जो है आप लोगों के नई राहों में इंट्रोड्यूस करवाएगा, नए लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम अपने आप को जरूर दे देना, रिलैक्स हो जाना।
اپنے فیملی میں اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور ریلیشن شپ جن کے ساتھ جڑے ہو جو اولادیں ہیں بیوی ہے میاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے ٹائم ایک دن ضرور بتانا ہے جو آپ کی انرجی کو 10 times زیادہ بوسٹ کر دے گا. جتنے بھی ورگو والے ہیں ان لوگوں کے لیے تو تسبیحاں میں دے رہا ہوں جو بہت ضروری ہے. ایک تسبیح یا مالک الملک اور ایک تسبیح یا ہادیو. یا مالک الملک یا ہادیو کلر ہے ریڈ اینڈ بلیک اور جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ آپ لوگوں کو دینا ہے بیسن 1/2 kilo 500 gram انکوکڈ حالت میں بیسن آپ دے سکتے ہو. Time for Libra. اور اب باری ہے میزان یعنی لیبرا والوں کی. تمہارے پیار کا میں انتصاب ہو جاؤں پھر اس کے بعد مکمل کتاب ہو جاؤں. کتاب زیست میں تجھ کو ملوں غزل کی طرح سخن شناس تیرا انتخاب ہو جاؤں. ہوا کے دوش پہ چل کر وہ سرخ رو نہ ہوئے میں آندھیوں سے لڑوں کامیاب ہو جاؤں. تو بن کے آئے نہ دیوار پہ رہے تنہا میں کرچیوں میں بٹوں بے حساب ہو جاؤں. ہزاروں پردوں میں رکھوں چھپا کے درد و علم نگاہ اس سے ملے بے نقاب ہو جاؤں. میں گم شدہ ہی رہوں تیرے دل کے صحرا میں کبھی نہ تجھ کو ملوں ایک سراب ہو جاؤں. سمندروں کی طرح وہ میں موج موج چلوں وہ آسمان تک میں مثل صحاب ہو جاؤں. میں ایک کلی ہوں تبسم تو وہ بھی موج سبا جو چھولے مجھ کو تو کھل کر گلاب ہو جاؤں. آپ جس چیز کو چھو لیتے ہو نا لیبرا والوں وہ اگر معمولی سی کلی ہے ببول کے کانٹے ہیں تو ان پہ بھی گلاب اگاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کا زہرہ ستارہ محبت اور عشق کا ستارہ ہے. آپ کو وفا ملے نہ ملے لیکن آپ وفا کی انتہا ہوتے ہو. آپ ہمیشہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا دی بیسٹ دے دیتے ہو. یہ ہفتہ بھی لیبرا یعنی میزان والوں کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے. آپ لوگوں کے نئے ریلیشن شپ یا پھر جو آلریڈی ریلیشن شپ پائپ لائن میں ہے جن کے ساتھ آپ جی رہے ہو یہ سب بوسٹنگ پوزیشن پہ ہے جو 67% تک بوسٹ کر رہے ہیں جو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آنے والے دنوں میں آپ اگر کسی کے ساتھ بھی رشتہ ازدواج میں بننے جا رہے ہو محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں یا کوئی بھی ایسی دوستی یا کاروبار کا رشتہ ہے جو آپ کو 5 years تک پے کر کے جائے گا. پلانٹ ایکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ رشتے بہن بھائیوں سے ہوں ماں باپ سے ہوں دوستوں سے ہوں عزیز و اقارب سے ہوں یہ ہمیشہ اب خوشحالی کا دور دیکھیں گے. وہ لوگ جنہوں نے آج تک آپ کو بہت زیادہ نقصان کیا جنہوں نے آج تک آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ جادو ٹونا یا سفلی علم کر کے آپ لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں وہ بھی اب خود ہی راستے سے ہٹ جائیں گے بلکہ وہ خندہ پیشانی سے آپ کے ہر اس ایکٹ کو قبول کرنا شروع کر دیں گے جو اس سے پہلے وہ ہضم نہیں کر پاتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ زندگی میں وہ دشمن جو آپ کے خون کے پیاسے ہوں اور وہ آپ کو ہضم کریں. ہاں اظہار نہ کریں وہ اور چیز ہے لیکن وہ مانیں گے ضرور کہ آپ ان کے لیے کیا ہے. اب زندگی میں جتنی بھی آندھیاں چل رہی تھیں جو مشکلیں لے کر آ رہی تھیں وہ اب ختم ہو جائیں گی خاص طور پہ فائنینشیل سٹیٹس کے حوالے سے. لیبرا والوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کہیں پہ رکی تھی یا انہوں نے کی تھی اس میں سے پروفٹ نہیں ہو رہا تھا اب آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ ہو میڈیا پالیٹکس یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں ہو جس میں لوگوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا. اس طرح آپ کی عزت و مرتبے میں اضافہ تو ہو جائے گا اس ہفتے کے اندر لیکن کیونکہ کمنگ جو پورے کے پورے 60 days پہ پلانٹ ایکس محیط ہے تو یہ آپ لوگوں کو نئے لوگوں کی نشاندہی کرے گا. جو بھی لوگ آپ لوگوں کی زندگی میں آ رہے ہیں بزنس یا رشتے بن کے ان لوگوں کے ساتھ لانگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی بھی بڑھے گی. آپ لوگ میچنگ سچویشن پہ ایک جیسے ہو جاؤ گے اور آپ کو لگے گا کہ یہی وہ رائٹ پرسن ہے جس کا آپ نے انتظار کیا. گھر بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. آپ لوگوں کو پروفٹ 9.7% ہوگا اور وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی جاب کرنا چاہیں ساتھ میں پڑھائی کے تو ان کو جاب آسانی سے مل جائے گی. وہ لوگ جو بے روزگار ہیں جن کو نوکری نہیں مل رہی ان لوگوں کو آسانی سے نوکری مل جائے گی. آپ لوگ سوئچ کرنا چاہو کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہو تو وہ بھی آسان ہوگا اور کاروباری سطح پہ بھی آپ اپنی اس نوکری کو ساتھ ساتھ بڑھا سکتے ہو. آپ کی جتنے بھی ویزے سے ریلیٹڈ مسائل تھے وہ اب حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ منگل یا جمعرات والے دن اگر ویزا سبمٹ کرو گے تو اس کے چانسز 100% ہوتے ہیں جس میں نکل آئیں گے. بہت سارے دنیا میں ستارہ شناس یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں
कि जितने भी लिब्रा वाले हैं वो इश्क के उस दायरे में गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुकम्मल सरेंडर नहीं किया अपने आप को, चाहे वो किसी भी रिश्ते में मंसूब है। वो वक्त के धारे के साथ साथ बह रहे हैं, वो कभी भी पलटा खा सकते हैं। अब आप लोगों को सीरियस हो के किसी एक रिश्ते की डोर को पकड़ना है। आप रिश्तों की बलि चढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए, जो आज तक जोहरा सितारा आप लोगों के साथ करता रहा। लिब्रा वालों के लिए यही रहा कि आप लोगों ने हमेशा रिस्पेक्ट के रिश्ते रखे, अपने फैमिली ब्लड रिलेशन की वजह से आपने अपने आप को हमेशा जमीन पे गिरा दिया। जिन्होंने आपसे इश्क की मोहब्बत की वो भी आपको धोखे देके चले गए जिंदगी में, क्योंकि लिब्रा हमेशा बराबरी का सलूक करता है, लेकिन लोग आपके साथ कम तरीका सलूक करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार ने आपकी उन दुआओं को सुन लिया है, और कोई ऐसा मसीहा जो आपकी जिंदगी में उंगली पकड़ के दूर तक साथ देने वाला हो अब इन हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशन में हो, इन हो चुके हो, तो उसको जाने मत देना। आपकी जात में एक नई तरह का निखार शुरू हो जाएगा जो आपको दूसरों की नजरों में सबसे सुपर पावर बना देगा। एक चीज तो आपको याद रखनी होगी कि अगर आप मजहबी रसूमात के लिए किसी और जगह जाना चाहते हो, ज़ियारात पे जाना चाह रहे हो, उमरा या हज की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये 100% सही कर रहे हो। बहुत आसानी से आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये सब कुछ कर लोगे। किसी भी खास सफर के लिए तैयार रहना होगा आपको, और इस हफ्ते कहीं आने जाने के लिए भी तैयार रहें। किसी के घर में पार्टी, मिलना मिलाना, या आपके घर में जो भी लोग आएंगे, या आप बिल्कुल सेफ हो, इसमें बुरी नजर लगना या किसी चीज का कोई हाथ नहीं है। बस जरा गुस्सा आपकी परसेंटेज में 17% तक ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिला वजह एंगर। और जितने भी लोग हैं जो आप लोग अपने करियर को एक नया रुख देना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोगों को नई गैजेट्स का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर सकोगे अपने बिजनेस, अपने कारोबार या अपनी जिंदगी में। मुल्क से बाहर जाने और हमेशा वहां रहने के लिए अगर तगोदो कर रहे थे, तो प्लानिंग को आगे की तरफ लेकर जाओ, बिकॉज 60 डेज में आप लोगों के काम जल्द अज जल्द होंगे। इसलिए आप जितना भी अपनी पूरी की पूरी पावर जो है वो इस चीज पर लगाओगे, तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। जमीन जायदाद की तकसीम के मसले अब तूल पकड़ जाएंगे। कानूनी तौर पर आप ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी पे मुकदमा किया या कोई आप पे कर रहा है, तो आप विनिंग पोजीशन पे होगे। जिनकी तलाक हो रही है वो लोग अपने नए रिलेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये तलाक वाला पोर्शन बिल्कुल एंड पे हो जाएगा। जो बे औलाद लोग हैं उन लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी, और वो औलाद वाले कहलाएंगे। आपके इलाज मालजे के लिए यह बड़ा अच्छा टाइम है। इस तरह लिब्रा वालों को देखा जाए तो यह हफ्ता आपके जो इनसाइड दुश्मन हैं, जो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनसे आपको डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अलर्ट मोड पे आपको ख्वाब में पता चल जाएगा। परवरदिगार के इस्माए मुबारक में या हयो या कयूम और एक तस्बीह या रकीबो, या हयो या कयूम और या रकीबो, ये दो तस्बीह आपको पढ़नी होंगी। या हयो अलग है या कयूम अलग है, लेकिन इन दोनों इस्माए मुबारक को एक दाने पर पढ़ना है। या हयो या कयूम, या हयो या कयूम, एक तस्बीह 100 दानों वाली, और किसी भी एक नमाज में आप पढ़ सकते हो। चाहो तो 5 नमाजों में पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम किसी एक नमाज में पढ़ सकते हो, और ये पूरे वीक के लिए होती है। और दूसरी तस्बीह भी इसी तरह पढ़ोगे। जो कलर आप लोगों को पहनना है वो है रेड एंड ग्रे, रेड एंड ग्रे कलर आप पहन सकते हो मेरे अजीजों। और जितने भी लोग हैं लिब्रा वाले, उन लोगों को जो सदका देना है वो है काले माश की दाल 250 ग्राम, या सिक्का राजुल वक्त कैश में भी आप दे सकते हो। Time for Scorpio. एक स्टार ऐसा है जिसको सब समझ आता है, वो है अकरब वाले। और अकरब वाले किसी से डरते नहीं है। पुश्त पर उसने किया वार तो हैरत कैसी, दोस्त का खुल गया किरदार तो हैरत कैसी, कोई दौलत नहीं दरकार तो हैरत कैसी, मेरी पूंजी मेरे अफकार तो हैरत कैसी, मैंने रोका नहीं इस बार उसे हैरत से, वो भी ठहरा नहीं इस बार तो हैरत कैसी, खौफ क्या कम है भला पत्तों के झड़ जाने का, जर्द होने लगे अश्कार तो हैरत कैसी, लज्जते हिज्र से हो जाए शनासा जो भी वसल उसको लगे आजार तो हैरत कैसी, वो जो रहता था फकत शहर तखय्युल में मेरे, वो ना इस पार ना उस पार तो हैरत कैसी, भाईचारे का महल जिस घड़ी मिसमार हुआ, सहन में उठ गई दीवार तो हैरत कैसी, जुल्म से लोग सिसकते हैं कलम बिकते हैं, झूठ कहता है जो अखबार तो हैरत कैसी, अब जिंदगी में जो झूठ चल रहा है उसमें हैरत किस चीज की है,
उसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत क्या है? आप लोगों ने दिल में बहुत सारी चीजों को समझा है लेकिन अमल नहीं किया। अक्रब वाले, स्कॉर्पियो वाले जितने भी हैं उनको पता है कि मरीख सितारा इस बार आपकी जाती जिंदगी को बहुत हाईलाइट कर रहा है, आप लोगों के टूटे हुए रिश्तों को मजबूत कर रहा है। आप लोग जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में शुमार हो जाओगे। 5% करने के बाद अगर 25% अर्निंग हो रही है तो आप उन लकी लोगों में हैं जो 1 का 10 और 25 तक बना सकते हो। आने वाले दिनों में आप लोगों के पास इतने वाफिर मकदार में रकम होगी कि आप अपने घर जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक भी होगे और दूसरों को भी सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। ये शायद आपके दर्द दिल की वजह से, जो दूसरों पर रहम करते रहते हो, दूसरों के मुंह में नवाले डालते रहते हो, ये उस वजह से है। तो अखरब वालों के लिए कामयाबियों का ये अब नया दौर जो शुरू हो रहा है, इस हफ्ते उसकी शुरुआत है। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो बहुत अमेजिंग पोजीशन आएगी। आप लोग जिस भी इम्तिहान में पढ़ना चाह रहे हो कामयाबी 100% आपको मिलेगी। और ये याद रखना कि उलझे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपको जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों की एजुकेशन खराब हो चुकी है, रुक चुकी है, वो दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप कामयाबी आपके घर में होगी। आप लोगों के लिए आसान अमल होगा। दूसरे लोगों की बुरी नजरों से बचने के लिए अपना सदका खैरात जरूर कर दिया करो, लेकिन इसमें आजम भी पढ़ो, लेकिन उन लोगों पे नजर रखो क्योंकि वो अंदर ही अंदर से आपको खोखला कर रहे हैं। क्योंकि लोग जाते हैं, तनावर दरख्त बन चुके हो जिसको काटना नामुमकिन है। जादू टोना या सिफली इल्म से इस हफ्ते आपको काटा जरूर जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी हिफाजत कर ली, सेफ्टी कर ली, उपाय कर लिया तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस हफ्ते अगर आपने अपनी टांगों में दर्द महसूस किया या आपको अपनी छाती पे बोझ महसूस हुआ या आधे सर में दर्द हुआ तो ये समझ लेना नजरबत या किसी का जादुई वार चल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते के इसमें आजम पानी पे दम करके पी लेना, 20 मिनट में ठीक हो जाओगे। या आप जिससे भी बैठ हो, जो भी आपके जानने वाले हैं, कोई ऐसे बुजुर्ग जो अल्लाह के बड़े करीब हैं, उससे दुआ भी करवा सकते हो। और आप अपना कनेक्शन भी अल्लाह से अच्छा रखो क्योंकि स्पिरिचुअल पावर आप लोगों की बहुत ज्यादा है। आप लोग जितना भी काम कर रहे हो उसमें रब को और उन सब को साथ लेकर चलो जो कि डिजर्व करते हैं। आप लोगों के वालदैन आपकी वजह से जिंदा है, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से जिंदा है क्योंकि शायद आपको उन्हीं के कियों की और दुआओं का फल मिलता जा रहा है। राह में सारी रुकावटें जो आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। खासतौर पर बैंक से अगर कर्जा लिया या अपनी जायदाद खरीदने या बेचने की बहुत ज्यादा टेंशन थी तो ये खत्म हो जाएगी। आप लोगों को इस वक्त फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आप लोगों की खरीदो फरोख्त में आप लोगों को जितना फायदा हो रहा है, आगे चल के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही बेहतर हो रहा है। जो घरेलू खवातीन है अकरब वाली, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर पे भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। बैठे बिठाए जो कोई आइडिया आ रहा है, चाहे वो कुकिंग का है, चाहे सिलाई कढ़ाई का है, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का है, आप लोग उसको शुरू करो तो आप लोगों की आमदनी में 17% तक एक महीने में इजाफा होगा, जो जरूरत से ज्यादा होता है। सही प्लानिंग से थोड़े से पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को इस हफ्ते अपने घर पे मद्दु करेंगे, बुलाएंगे दावत पे। अगर आप उनके यहां चले जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नए आइडियाज और नई चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। मुल्क से बाहर जाने के लिए वीजा, इमिग्रेशन ऑलरेडी जो लोग सफर पे हैं उन लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला आपकी खास मदद करेगा छुपे हुए हाथों से। यह हफ्ता ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का सेफ्टी का है। इस हफ्ते अगर रिश्ते आए खानदान से बाहर तो सोच समझ के हां करना, लेकिन रिश्ते आएंगे जरूर। रुकी हुई शादियां या तलाक होने वाले रिश्तों में भी अब सुलझाव आता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अगर बीमार हो काफी अरसे से तो आप लोगों के इलाज मालजे के लिए यह हफ्ता बेस्ट है। इस्माइल मुबारक कौन से पढ़ने हैं? या कबीर हो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या नूर हो, या कबीर हो या नूर हो। और जो कलर आप लोगों को पहनने हैं वो पहनना है ऑरेंज और सिल्वर, ग्रे सिल्वर, ऑरेंज और ग्रे सिल्वर, ये दो कलर आप पहन सकते हो। और जो आप लोगों को सदका देना है वो मीठी चीज का देना है, लाइक चीनी दे सकते हो, मिठाई दे सकते हो आप। बहुत सारे लोग शहद भी सदके में दे देते हैं, लेकिन मीठी चीज आप कोई भी दे सकते हो। और उसका वजन जो है वो 500 ग्राम है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना चाहो आप पैसा भर सकते हो और आपकी जिंदगी हो जाएगी आसान। टाइम फॉर सजिटेरियस। अभी जो सितारा है हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वो है कॉस यानी सेजिटेरियस वाले। और कॉस वालों के लिए दुनिया में दिल लगा के बहुत सोचते रहे, कांटों को गदा घर के बहुत सोचते रहे, कल सुबह एक शाख ये दो आद
खिला गुलाब थोड़ा सा मुस्कुरा के बहुत सोचते रहे, क्या जाने चांदनी ने सितारों से क्या कहा, शब भर वो सर झुका के बहुत सोचते रहे। टूटा कहीं जो शाख से गुंचा तो हम वहीं, पहलू में दिल दबा के बहुत सोचते रहे। क्या जाने किस लिए वो नजर के सवाल पर हमसे नजर बचा के बहुत सोचते रहे। इतना तो याद है कि मोहब्बत के जिक्र पर होंठों को वो दबा के बहुत सोचते रहे। हाथों से गिर के चूर हुआ जाम जब कमल, टुकड़ा उठा उठा के बहुत सोचते रहे। सजीटेरियस, आप लोग मुश्तरी के अब उस दहाने पे आके खड़े हो गए हो जहां मिल्की वे के तीन बड़े सितारे आपको हर दुश्मन से बचाने के लिए तैयार हैं। पावर, एनर्जी, हेल्थ इश्यूज, ये सब के सब बूस्ट हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज कवर हो जाएंगे, पावर एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते किए गए फैसले आप लोगों को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जो एक तरक्की का राह रुकी हुई है, आप जिस फील्ड, जिस शोबे, सरकारी गैर सरकारी किसी भी नौकरी में हो, आप लोगों के अगर बॉसेस या आका में वाला जो होते हैं उनसे तरक्की का सिलसिला रुका हुआ है, तो वो सब का सब कवर होने लगेगा। आप लोगों को बिना उलझन के आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। अगर आप साइड बिजनेस में कुछ करना चाहो तो पार्टनर या सोलो प्रोप्राइटरशिप पे भी आपको कामयाबी 37% मिलेगी। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, इलेक्ट्रॉनिक का काम या लोहा जिसमें भी शामिल होता है उसमें काफी फायदा होगा। जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त वालों को बड़ा फायदा होगा। पॉलिटिशियंस, शोबिज के जितने भी लोग हैं, फनून लतीफा से जुड़े हुए, सोशल मीडिया या ऑनलाइन जॉब करने वाले, ब्यूटी प्रोडक्ट में काम करने वाले, वकला, टीचर्स, इन सब के एक नए दौर का आगाज इस हफ्ते से हो रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में होंगे। आप लोग दूसरों की नजरों में इस वक्त सामने हो, बहुत बुरी नजरें भी आपको लगेंगी, लेकिन आपका बचाव कुदरत की तरफ से हो जाएगा, जिसपे चांद ग्रहण की वजह से आप सेफ्टी में आ जाओगे। आप लोग कहीं कर्जा लेना या देना चाहो तो यह हफ्ता आपके लिए ज्यादा साथ या मुबारक नहीं है। आप लोगों के लिए काफी सारी ऐसी चीजें जो रिलेशनशिप को बूस्ट कर रही हैं वो बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए नए रिलेशन बनने बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऑलरेडी आप लोग आउट ऑफ फैमिली में जहां पे बात चल रही है, हो सकता है वहां से पॉजिटिव जवाब आ जाए, और जिनको आज तक रिश्तों की कमी रही, अचानक ही कहीं से उड़ता उड़ता इस हफ्ते एक रिश्ता आ सकता है जो कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी का होगा और आप लोगों का बहुत पक्का रिलेशन बन जाएगा। आप लोग अगर घुटनों का दर्द, यानी कि अर्कोनिसा का दर्द था किसी को, कमर की शदीद अमराज का शिकार थे या दिल के मरीज हैं, तो आप लोगों की हेल्थ जो हम 9.9% तक बेहतर होगी, ऑलमोस्ट 10% है, बेहतरी की तरफ जाएगी। सो डरने की जरूरत नहीं है। नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन और रबते बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अचानक ही कोई दूर दराज का शख्स या दोस्त या किसी भी रिश्तेदार से अचानक रबता हो सकता है, जिससे आपके दिल को बड़ी तकवीयत मिलेगी। कहीं आना जाना पड़ सकता है छोटे या बड़े सफर पे, और अगर आप मजहबी सफर की तैयारी कर रहे हो तो इस हफ्ते आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप बड़ी तेजी से सफर करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मजहबी होने की वजह से आपका परसेंटेज रूहानियत का 3% तक तकरीबन ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, 3.1 है, 3% कहेंगे। कोई रिश्तेदार आपके अगेंस्ट जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप उससे सेफ हो, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके जिस्म में जकड़ाव महसूस हो रहा है या आपकी आंखों से बिला वजह पानी निकल रहा है या बहुत जलन महसूस हो रही है, तो आप ये जो तस्बीहें इस हफ्ते की ये पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लेना, पानी पी के आप दम करके उसको पी लेना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप लोगों के वालदैन जो है उनको आपकी जरूरत है, जिनके हयात है उनकी बात कर रहे हैं। जो गैर औलाद वाले हैं, जिनकी अपनी औलादे नहीं हैं और वो चाहते हैं औलाद हो जाएं, तो इलाज मालजे के लिए ये हफ्ता अच्छा है। आप लोग कंसीव कर सकते हो, क्योंकि ये हफ्ता जो प्लैनेट एक्स है उसके हवाले से बड़ी पावरफुल एनर्जी दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कामयाबियां 7% तक रहेंगी, यानी कि टॉप 7 लोगों में शुमार हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पर तब्दीली चाहो तो हो सकती है। जिन लोगों के रिलेशनशिप टूटे हुए हैं, मजेदार नहीं है मोहब्बत में या शादीशुदा जिंदगी में, उन लोगों को नए लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है, और इस रिलेशन में भी बूस्टिंग पोजीशन आपको जुमेरात से मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी। कॉस यानी सजिटेरियस वालों के लिए जो मेरे परवरदिगार के इस्माए मुबारक है, वो दो तस्बी आपको पढ़नी है, एक तस्बी या मतीनों और एक तस्बी या समियों, या मतीनों या समियों, आपको ये दोनों तस्बियां पढ़नी है। आप लोगों को जो कलर पहनना है वो है डार्क ग्रीन एंड व्हाइट, ये दोनों कलर आप पहन सकते हो। जो सदका आप लोगों को देना है
وہ دینا ہے 10 روٹیاں 10 عدد روٹیاں یا اسی تعداد کے پیسے سکہ راجل وقت Time for Capricorn ابھی جس کی باری ہے وہ بڑے خاندانی لوگ ہیں یار وہ جدی پشتی ہوتے ہیں اور جو ان مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں کیپریکون جو ہوتے ہیں یہ کون کی طرح ہوتے ہیں کیپریکون نہیں ہوتے کون جس کو آپ کھانا شروع کرتے ہو تو پھر آپ کی زبان رکتی نہیں کسی نے باوفا سمجھا کسی نے بے وفا سمجھا مجھے غیروں نے کیا سمجھا مجھے اپنوں نے کیا سمجھا غمیں پہم ہوئی ثابت جسے میں نے بقا سمجھا حیات جاویدہ نکلی جسے میں نے قضا سمجھا غلط سمجھا زمانے میں تجھے درد آشنا سمجھا میری نظروں کا دھوکا تھا میں پتھر کو خدا سمجھا وفا کی راہ میں کھائے ہیں ایسے بھی کبھی دھوکے وہ ظالم ابتدا نکلی جسے میں انتہا سمجھا اسے دل کا جنوں کہیے کہ میری سادگی کہیے میں ہر ایک راہ گزرے کو آج اس کا نقش پا سمجھا بہت ممکن تھا موجوں سے میری کشتی نکل آتی مگر وہ راہزن نکلا جسے میں ناخدا سمجھا جس کو آپ ناخدا سمجھے ہو انہوں نے آپ کی زندگی کو کیا سمجھا ہے یہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے کوئی آنکھیں دیکھ رہی ہیں دھندلے سے کچھ خواب یا ان کی تعبیر ہاتھوں پہ تحریر ہے کیسا الجھا ایک لفظ ہے یا صرف لکیر کاندھوں پہ رکھا ہے میرے سو صدیوں کا خوف میری کل جاگیر پیروں نے باندھا ہے مجھ کو سرزد مجھ سے نہیں ہوتی کوئی بھی ایک خطا شاید اس میں ذات ہے میری یا پھر تیری ذات آپ نہیں سنبھال پاؤ گے جدی والوں ان لوگوں کو جو منہ زور گھوڑوں کی طرح آپ کو دبانے چبانے کے لیے تیار بیٹھے آپ ایک ٹیسٹی سی ڈش ہو آپ ایک خوبصورت موسم ہو آپ کسی کے ضرورت کا قیمتی لباس ہو اور بس آپ کسی کی زندگی بھی ہو اس کے لیے صرف 1% لوگوں کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا کیونکہ آپ اتنے آسان ہوتے ہو کہ آپ کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ بہت مشکل ہوتے تو لوگ غور و خوص کرتے زحل اس ہفتے آپ لوگوں کو ان لوگوں سے بھی متعارف کروائے گا جو آپ لوگوں کی زندگی کو تھوڑا سا کک سٹارٹ کر کے آگے لے کر جائے گا اگر آپ آلریڈی کسی رشتے میں منسوب ہو محبت کا رشتہ ہے شادی کا ہے یا کوئی بھی ایسا ریلیشن جو آپ کو باندھے ہوئے ہیں اس میں بوسٹ آ جائے گا آپ کی تڑپ اور محبت میں پچھلے ہفتے کی طرح اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہ رشتہ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا لیکن نئے آنے والے لوگ آپ کو ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے یہ ایک ہفتہ آپ لوگوں کے لیے رشتے بھی لے کر آئے گا وہ بہنیں اور وہ بھائی جو ابھی تک کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں کہ ان کی زندگی کو آ کے باغ و بہار کر دے گلو گزار کر دے ان کے لیے بھی یہ ہفتہ جدی والوں کے لیے بہت بہتر بنے گا زحل کے حوالے سے پلانٹ ایکس آپ کی عزت و مرتبے پہ اضافہ تو کرے گا ہی کرے گا لیکن آپ لوگوں کے نام اور فیم میں بھی اضافہ ہوگا نیم اور فیم پیسہ یہ دونوں چیزیں اس ہفتے آپ کی اہم ہیں امیگریشن یا ضرورت کے جتنے بھی ایسے کام جس سے آپ کو دوسرے ملک میں ہجرت کرنی تھی ان کے ٹائم بوسٹ ہونے کا آ گیا ہے آپ لوگ پیر یا جمعے والے دن آپ ابتدا کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا جو بھی کاروبار شروع کرنا ہے آپ اس ہفتے اس کی ابتدا کر سکتے ہو جس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں جو ابھی چاند گرہن ہوا تھا یہ آپ کی مالی پوزیشن کو اس بحران کو ختم کر کے آپ کو ٹاپ 10 لوگوں میں شمار کر دے گا جن کی زندگی میں مالی پریشانیاں کم ہوتی ہیں لیکن اس سب کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی یعنی آپ سولو پروپرائٹرشپ پہ چلو گے تو آپ کو مالی الجھنوں سے نکلنے میں 7 مہینے لگ سکتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کرو گے تو وہی کام 30 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا اسپرچل پاور بہت زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں کی ارد گرد محبت منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے شاید فوکس نہ کر پاؤ اس وقت رشتہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ جس چیز کو بھی فوکس کرتے ہو اس کو پا لیتے ہو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جو بڑی مشکل کے بعد ایک دن آسانی ہر حال میں دیکھتے ہیں آپ لوگ اگر اسٹوڈنٹس ہو تو آپ لوگوں کی جو شمار ہے وہ ٹاپ 5 لوگوں میں شمار ہو جائے گا
ब्रेन बूस्टिंग पोजीशन पे इसलिए कामयाबी की आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप जो भी करना चाहो, जिस कोर्स में जाना चाहो, जो सब्जेक्ट बदलना चाहो, इस हफ्ते आप उसको कर सकते हो। जायदाद खरीदो फरोख्त के लिए यह हफ्ता अच्छा है और ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही बेहतर हफ्ता है। आप लोग अगर इस हफ्ते किसी से मुलाकात के लिए जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो आप लोगों को यह एहतियात करनी चाहिए कि अपना कपड़ा किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना, भले ही वो धुला हुआ हो। दुपट्टा, कपड़ा, मोजा, अंडरगारमेंट, कुछ भी, या फिर किसी और की चीज को भी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो नमाज के लिए ही क्यों ना आप कोई चीज किसी से मांगे। सिर्फ इस हफ्ते एहतियात करना है, क्योंकि ये हफ्ता उन लोगों के लिए बड़ा अहम है जो कपड़ा किसी को भी देते हैं या किसी से लेते हैं, तो आमिलीन लिफियाल नाम का एक अमल करते हैं जो आपकी पावर को खींच लेता है, भले ही वो आपने धो के रखा हो। वो उसमें डीएनए पावर के ऊपर बड़ा आसानी से मैजिक हो सकता है। सो इन चीजों से एहतियात कीजिएगा, इंक्लूडेड मेकअप आइटम जो आपके होते हैं, लिपस्टिक, मस्कारा, वो किसी को देना या किसी का इस्तेमाल करना इस हफ्ते ममनू है। ओवरऑल इसको अपने ऊपर बैन ही रखिए, लेकिन इस हफ्ते खासतौर पर 2019 में बैन है। आप लोगों के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है, जिसको आप कड़वी गोली समझ के स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको माली मुश्किलों से या आपको बहुत ज्यादा जो जरूरत है जिस्म की या रूह की तलब है, उससे आपको मुकम्मल कर देगा, सरचार हो जाओगे। आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद की है उसका फल अभी आपको मिलने वाला है। सब्र करते जाओ, जो आपके हिस्से के रिश्ते हैं वो कहीं भागेंगे नहीं। अगर आप लोग औलादों की वजह से परेशान हो तो उनकी खुशखबरियां भी आज इसी हफ्ते देखना शुरू कर दोगे। बस ज्यादा लोगों की नजरें या बाप के ऊपर हैं, क्योंकि आप सिर्फ बाहर की जाहिरी ब्यूटी वाले ही नहीं हो, इंटरनल ब्यूटी भी है, और लोग ये जानते हैं कि आप उनसे बेस्ट हो। इसलिए हासिदीन में इजाफा होगा इस हफ्ते, जैसे कि कभी कम हो जाता है, लेकिन इस हफ्ते बैंक के मामलात हैं तो वो बिल्कुल सीधे कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मोहताजी होगी। आप लोगों के लिए जो दो तस्बीहां हैं वो इस हफ्ते जो पढ़नी है, एक तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है या बाकी हो, और एक तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है या नाफे हो, या बाकी हो या नाफे हो। जो कलर आप लोगों को पहनना है वो पहनना है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू के सारे शेड्स आप पहन सकते हो। जो आप लोगों को सदका देना है वो या तो आप हड्डी वाला गोश्त दे सकते हो एक पाव, या उसी तादाद के आप पैसे भी दे सकते हो। ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए सदके में, ठीक हो गया। सिंपल सा इतना सा तो सारा मसला होता है। अब जाहिर है अगर आप लोग इंतजार में हो कि जी हम आपको कुछ और बताने वाले हैं, तो ऐसा कोई करिश्मा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके बाद भी कोई बैठे हैं जो दुनिया को शराब करने के लिए बैठे हैं। उनको एक्यूरस कहते हैं, दल्लो वाले कहते हैं। टाइम फॉर एक्वेरियस। और दल्लो वाले जितने भी हैं अजीम होते हैं। दरीचों से कभी बेसाख्ता झांकूं, बिना आहट के दरवाजों को खोलूं, कभी यूं ही पलट कर राह देखूं के जैसे कोई पीछे आ रहा है। मेरे चारों तरफ सरगोशियां हैं, झलक देती हुई कितनी शबी हैं, मेरे आगे मेरे पीछे से गुजरे, मैं चौंकूं सांस रोकूं, कांप जाऊं, मगर अगले ही पल चारों तरफ से हकीकत के अंधेरे लौट आए, मुझे झंझोड़ कर बाजू कराए। इधर तो दूर तक कोई नहीं है, अभी आहट तो उभरी थी शजर से, कोई पंछी था दरवाजे के पीछे, जमीन पर रंग बिरंगे थे घटासी, किसी तितली के पर से थे उलझ के, दरीचे से कोई झांका था तारा, यहां कब कोई आया था हमारा। इस दुनिया में अगर आपका कोई भी नहीं आ रहा है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका इस दुनिया और उस दुनिया के साथ जितना गहरा ताल्लुक है दलो वालों, क्यूरस वालों, ये कोई और समझ नहीं सकता। जौल सितारे ने जितनी करवटें एक महीने में ली हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब नया महीना शुरू हो जाएगा, आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ये सारी बेचैनियां खत्म होने वाली हैं जो आप लोगों के रिलेशन और फाइनेंस से जुड़ी हुई है, खासतौर पर वो जो इंतजार यार में है कि उनकी जिंदगी में आए, उंगली पकड़े और पूरी जिंदगी उनका जीवन साथी बन जाए। वो मोहब्बत का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, कारोबार का हो, दोस्ती का हो, अजीजो अकारिब का हो, ये सब कुछ ठीक होने वाला है। नाराज रिश्ते मान जाएंगे। आप लोगों का कारोबार जो बहुत सुस्ती की तरफ जा रहा था वो दोबारा से बूस्ट करने की पोजिशन पर आ जाएगा, जो ऑलरेडी कई हफ्तों से बेहतरी की तरफ आ रहा है। और अब फाइनली आप लोग मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बने ही बने। आप लोगों की जिंदगी में अब वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो आपको पसंद नहीं करते थे। आप लोग एक बात को अच्छी तरह से अपने साथ बांध लो,
کہ اب یہ پانچ سال صرف آپ کی کامیابیوں کے سال ہیں. ابھی جو اس مہینے کا اسلامی مہینے کا آخری چاند نکلے گا اس کے بعد ایک اسلامی مہینے کا نئے سال کا جو پہلا چاند آئے گا یہ آپ لوگوں کے سارے دردوں کو کھینچ کے لے جائے گا, آپ کے رسک میں اضافہ ہو جائے گا اور ریلیشن شپ کو بڑھائے گا. آپ لوگ اگر دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے خواہاں ہو, ویزا, امیگریشن یا کسی بات پہ پریشان تھے تو جواب سمجھو آیا کہ آیا اور بڑا پازیٹو آیا. آپ لوگ دوسری جگہوں پہ رہائش پذیر ہونا چاہتے ہو, گھر چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا چاہتے ہو, اپنا گھر خریدنا چاہتے ہو, زمین جائیداد سیلن بائی کرنا چاہتے ہو تو یہ ہفتہ بڑا گولڈن ہے. آپ لوگ اگر لوہے میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو, سیلن بائی کر رہے ہو تو اچھا نہیں ہے یہ ہفتہ. بینک سے قرضے لینے کے لیے یہ ہفتہ نارمل ہے, نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, اس لیے اگر ایک ہفتہ رک کے کرو گے تو پھر بہتری آ جائے گی. آپ لوگوں کے ہاں خاندان اور غیر خاندانوں سے جو رشتے اب اس ہفتے اگر آتے ہیں تو 44.2% تک کامیابی ہے, جو میرے خیال سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب دشمن اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے, جنہوں نے آج تک آپ پہ جادو ٹونا کیا یا پرابلمز آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں وہ سب بادل چھٹ جائیں گے. آپ لوگوں کو آسانی ہوگی مستقبل کے فیصلے کرتے ہوئے. کاروباری زندگی کے بارے میں جو بھی پلان آپ کے دماغ میں کافی عرصے سے ہیں ان کو پیپر پہ لے کر آؤ اور پریکٹیکلی اس پہ عمل کرو. نیند, سستی یا جو آج کا کام کل پہ چھوڑ دینے کا ایک عمل کافی دنوں سے کر رہے ہو, اب اس سے باہر نکلو, کیونکہ یہ گولڈن موومنٹ آپ ضائع کر رہے ہو اور یہ وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو آپ کو لذت آرام میں دے رہے ہیں. اگر آپ لوگ بہت سٹرگل کر رہے ہو کہ جاب چینج ہو جائے تو اب آپ کو سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاب سوئچنگ کے لیے بڑا اچھا ہے. آپ کے کریئر میں بہت زیادہ بوسٹ آ رہا, آپ لوگ ترقی بھی کر سکتے ہو, اپنا کاروبار شروع کر کے دوسروں کو بھی نوکری دے سکتے ہو. آپ لوگوں کے لیے پروردگار نے کچھ نئی چیزوں کا سلسلہ رکھا ہے, جیسے کہ آپ ملک سے باہر جا کے اپنا بزنس شروع کرو گے, آپ شادی شدہ زندگی میں آتے ہی آپ لوگ اپنی اولاد کو دیکھو گے اور فائنانس کا بوجھ دیکھو گے. آپ لوگوں کو کچھ کڑوے فیصلے کرنے ہیں لیکن وہ آپ کے فیوچر کے لیے بڑے ضروری ہوں گے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھو. اس ہفتے کہیں اگر آنا یا جانا پڑے تو پرہیز کرنا, اگر جانا آنا پڑ جائے تو پھر اپنے نام کی تسبیحاں یا وظائف پڑھ کے جانا. آپ لوگوں کو نظر بد لگنے کے چانسز ہیں جو کہ 71% ہوتے ہیں, اس لیے پرہیز کرنا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہوگا لیکن 7 to 8 hours کے لیے آپ کے درد جسم میں کہیں بھی شدید قسم کا ہو سکتا ہے. ویسے اوورال دیکھا جائے تو آپ کو اپنے قیمتی چیزوں کا اور ڈاکومنٹس کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے, کیونکہ پلانٹ ایکس کسی چیز کو آنکھ اوجھل ضرور کرے گا اور وہ موکلات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی, کیونکہ دماغ ایک ہی ٹائم پہ چار جگہوں پہ سوچ رہا ہے. اس لیے اب آپ کو ہوش و حواس کا ناخن لینا ہے. کسی اور جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو یہ ہفتہ اچھا ہے, آپ لوگ بوسٹ کر رہے ہو لیکن زیادہ کوشش کرنا کہ نیکسٹ ویک تک کھینچ کے لے جاؤ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اس ہفتے آپ لوگوں کو جو تسبیحاں پڑھنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا وکیل ہو, اور ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا اول ہو, یا وکیل ہو یا اول ہو. جو آپ نے کلر پہننے ہیں وہ آپ کو پہننا ہے پرپل اینڈ براؤن. پرپل اینڈ براؤن کلر آپ لوگوں کو پہننا ہے دلو والو. اور آپ لوگوں کو جو صدقہ دینا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کون سا ضروری ہے صدقہ آپ جانتے ہو؟ آپ نہیں جانتے ہو, میں بتاتا ہوں آپ کو. صدقہ دینا ہے آپ کو براؤن شوگر 250 grams, یہ صدقہ نمبر ایک ہے. ماش کی دال 250 grams, یا پھر یہ دے سکتے ہو براؤن شوگر اور ماش کی دال, ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ صدقہ کر سکتے ہو. Time for Pisces. اور اب جو بہت پیارے سے لوگ ہیں جو آپ کی سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ جانتے ہو کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے ہو. یہ مچھلیاں ہیں, دو پیاری سی مچھلیاں جو ہمیشہ بہتی رہتی ہیں, اور زندگی ان کی وہاں ہوتی ہے جہاں عام لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی ہے. پائسز ہوت مشتری ستارے کی کروٹیں تو بعد میں آپ کو بتائیں گے, آپ کو ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کی آنکھوں میں دھڑکتا ہے غضب ایک سوال, اس نے باندھا میرے آنچل سے عجب ایک سوال, نیند خوابوں سے جو الجھی ہے سحر ہونے تک, جستجو ایک تمنا تھی طلب ایک سوال, اپنی ہی ذات سے کرنا ہے کنارہ مجھ کو, پوچھنا ہو تو رہوں مہر بلب ایک سوال, میرے خوابوں نے بھی ایسی مجھے تنہائی دی, مجھ سے پوچھا ہی نہیں آج کی شب ایک سوال, جانتی ہوں کہ وہ آئے گا بوقت رخصت, مجھ سے الجھے گا کسی
और सबब एक सवाल, मेरे कैसे में नहीं है इसके लिए कोई जवाब, उसके कासे में रहा जान बलब एक सवाल। आपके पास कोई सवाल है नहीं है, लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं कि आप उनकी जिंदगी में क्या कर सकते हो। कमाल चीजें ये हैं कि आप लोगों को मुश्तरी एक ऐसे मोड़ पे लेकर आया है जहां सिर्फ मौजजात ही लेकर आते हैं। बीमारी से लड़ते लड़ते जो लोग यहां तक पहुंचे हैं वो 50% तक अपनी सेहत को बूस्ट होते हुए देखेंगे और दोबारा से जिंदगी की तरफ जाएंगे। जिसको कहते हैं जवानी लौट के आने वाली है, ये वो वाली सिचुएशन। फाइनेंसेस जिनके डूब चुके थे उनको नए रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आप मजीद बूस्टिंग की तरफ जा रहे हो, नए कारोबार या जॉब में बूस्टिंग बहुत जबरदस्त है। स्विच करना चाहो, किसी और इदारे में काम करना चाहो तो बहुत आला रहेगा इस हफ्ते। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर अभी तक तगोदो कर रहे थे कि जी हम किसी और मुल्क चले जाएं, वीजा हो जाए, और अब तक आपने अगर अपना ये कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो अब जरूर कर लेना। पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए खुशियां इंतजार में है कि आपको अपनी बाहों में ले लें। ना सिर्फ खुशियां बल्कि वो लोग जो नए आपकी जिंदगी में जुड़ने वाले हैं। आप लोग नए रिश्तों से अभी रोशनास करवाएगी ये जिंदगी, जो आपको 5 साल तक बहुत ज्यादा फायदा देंगे। फाइनेंशियली रूहानी तस्कीन आपको मिलेगी। स्पिरिचुअल पावर को देखा जाए तो 3.3% तक बढ़ेगी। बहस मोबाइल साइज हफ्ते किसी से मत करना, नहीं तो आपका दिन वैसे ही काला पीला हो जाएगा। आप लोग कहीं आ जा सकते हो बहुत आसानी से, किसी छोटे या बड़े सफर के लिए तैयार रहना। आप लोग आने वाले दिनों में अपने घर की बुनियाद रख लोगे, सेल एंड बाय की पोजिशन में होगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर में आ जाएंगे। टॉपर से मुराद के टॉप 20 पे हो इस हफ्ते, लेकिन फिर भी टॉप 20 का मतलब कि आप लोग उन हजारों लाखों लोगों से बेहतर होंगे जो कि स्ट्रगल करते रहते हैं। आसानी से याददाश्त आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ नए लोग जो भी अल्लाह ताला ने चुने हैं वो आपको कोई ना कोई एक मशवरा देंगे या उनकी बात को आप फॉलो करके बहुत दूर तक जा सकोगे, जो अकले कुल शायद मेरे रब ने आपके लिए मामूर कर दिए हैं। स्ट्रेस लेवल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इश्क और मोहब्बत की पींगे बढ़ेंगी। आप लोगों की जिंदगी में मोहब्बत बहुत अहम हो जाएगी। जिन रिलेशन के साथ जुड़े हो उनका दामन छोड़ने की कोशिश भी मत करना, और जो आने वाले हैं उनके साथ आप लोगों का लॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा और ये मोहब्बत जो है आपको जितना दर्द दे रही थी अब उसमें सुलझाव आएगा। आपको कुदरत की तरफ से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। अजीज व अकारिब के साथ आपकी कोई ना कोई मेन मुलाकात हो सकती है, जिसमें जो आप लोगों के दुश्मन थे, जो आपको हमेशा से जादू टोना या डैमेज करने के इंतजार में रहते थे, अब वो इस हफ्ते कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई करेगा तो उसका वार 3 घंटे के अंदर अंदर उन पर रिटर्न होगा, क्योंकि आप इस हफ्ते 100% सेफ हो। रूहानियत के मर्तबों पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इसलिए कोई भी रॉन्ग काम, कोई भी गलत काम मत करना, वरना सारी ताकतें छीन ली जाएंगी। इस वक्त आपको अल्लाह ताला इतनी एनर्जी दे रहा है कि आप जो भी चाहो आप कर सकते हो। एड़ी मार के पानी भी निकालना चाहो जमीन से तो निकल आएगा, लेकिन अपने इस ताकत का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां अब शुरू हुआ है आपका इम्तहान। चाहे वो रिश्तों की तकसीम का है, मोहब्बत का है, या फिर कारोबार या पैसे का है, अपने इस ओहदे का नाजायज इस्तेमाल मत करना। पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, वकालत, टीचिंग, ग्रोसरी शॉप, जमीन, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लोगों के साथ मेल मुलाकात या आमना सामना रहता है, तो ये याद रखना इज्जत और मर्तबे में बहुत इजाफा हो रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साइन हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज जो कोई शख्स आपको कहे कि मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं, स्पेशली खुशबूयात, खाने पीने की चीज, पहनने ओढ़ने की चीज, इस हफ्ते उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर इस हफ्ते इस्तेमाल नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में उसके असरात जायल हो जाएंगे। 7 दिन भले ही वो दे दें अपने पास रख लो, अगर वो बहुत कीमती चीज है तो फिर आप उसको रखो, लेकिन इस्तेमाल मत करो। 2 चीजों का आपको ख्याल रखना होगा कि अब लोग आपको तोड़ नहीं सकेंगे सिवाय इस पे कि आप पे सिफली इल्म या जादू टोना करवा दें। और आप पे जितनी भी आंखें इस वक्त जम चुकी हैं कि आप उनकी निगाहों में आप अगला स्टेप क्या लोगे, बड़े धीमे से खामोशी से आप अपना काम करते रहो, चींटी की रफ्तार से बढ़ते रहो, जिनके कदमों की आहट भी कोई नहीं सुन सकता, लेकिन आप दूसरों से ज्यादा कामयाब होने वाले हो। रुके हुए कामों को परवरदिगार पाया तकमील तक पहुंचा रहा है। धीरे धीरे जो सफर किया है इसका फल अब आपको मिलने वाला है। इस हफ्ते आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है या बातिनों, और एक तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है
या लतीफो या बातिनो या लतीफो, जो कलर आप लोगों को पहनना है वो पहनना है येलो एंड रेड, ये दोनों कलर हैं आप लोगों के लिए। और जो सत्कात आपको देने, इसके लिए आप लोग चने की दाल 250 ग्राम भी दे सकते हो, और आप लोग इसके लिए जितनी ही तादाद की चने की दाल आती है उसके पैसे भी दे सकते हो, या फिर कोई भी शख्स सफेद तिल और एक पाव चीनी को मिक्स करके भी घर के बाहर कहीं कब्रिस्तान में, दरख्त के तने में, कहीं भी फेंक सकता है ताकि उसको चींटियां खा जाएं। ये हैं आपके तीन डिफरेंट सत्कार, तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से आसानियां परवरदिगार पैदा कर देगा। और ये थे आज के हमारे स्टार्स। अपनों की गलतियां भी हमारी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर अपनी अपनी इन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा होता है कि पगड़ियां पहन लेते हैं, दस्तार चढ़ा लेते हैं अपने सर पे अना की, और हम इंतजार करते हैं कि दूसरे झुकें तो हम उनको माफ करें। जो आपके अपने हैं उनको झुक कर उनको जलील करने की कोशिश करना भी बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप रब से माफी के तलबगार होते हो कि आपने गुनाह किया और वो जल्दी माफ कर दे, इतनी ही जल्दी माफ करना सीखो। दिल से कदूरतें निकालो, नफरतें निकालो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम अभी तक अंगूठे नीचे करके लोगों को डिसलाइक करके चले जाते हैं। किसी की जिंदगी अच्छी जा रही है तो जादू टोना करके उसको ख्वार कर देते हैं। बेटियों के रिश्ते रोक रहे हैं, औलादों की बंदिशें कर रहे हैं, सास बहू के और बहू सास को दीवाना कर रही है, खामिद को उंगलियों पर नचा रहे हैं, दुनिया का हर उल्टा काम हम किए जा रहे हैं, जबकि जिंदगी बड़ी आसान है। हम ये समझते हैं कि हम वो खुदा हैं जो हम जब चाहेंगे किसी की रोजी रोक के, किसी की जिंदगी खराब करके, किसी का पैसा रोक के उसको तबाह कर सकते हैं। बट यू आर रॉन्ग, आप कुछ भी नहीं हो। जोर से छींक आ जाए तो आपका दम निकल जाए, जोर से हिचकी आ जाए और एक नवाला सांस की नाली में एक जर्रा फंस जाए तो दम निकल जाए। क्या हो इन्हीं लोगों के लिए कुरान में मेरा रब कहता है कि तू अपनी औकात भूल गया है, तुझे किस नापाक पानी से पैदा किया। यहां वो ताना नहीं दे रहा, आपको आपकी औकात दिखा रहा है, और इस नाकाब पोश चेहरे के साथ, इस नापाक वजूद के साथ भी हम उसको पूजने वाले हैं, तो उसकी शान देखें आप। कि वो आपको तौफीक देता है तो आप उसके सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हो। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले, दुआएं मांगने वाले अपने लिए कुछ न मांगे तब भी वो देता है, क्योंकि वो खुदा है। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस वक्त जो भी मेरी आवाज सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे। कल का सूरज चढ़ने से पहले मेरे मौला उनकी जिंदगियों को बदल दे। कौन कह दे मेरे मौला तेरे खजाने भरे, हम जैसे बेकारियों को मायूस नहीं करता मेरे मौला। जितने भी परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़्ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरी नाता कर दे, जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे मेरे मौला, उनके नसीब अच्छे फरमा। जो वालदैन अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जब वो लोग जो शादियां करना चाहते हैं उन लोगों की जिंदगी में नेक फरिश्ता सिफ्त लोग ले आ। परवरदिगार जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको तबाही के दहाने से बचा, उनको हमारा कर दे मेरे मौला। अगर वो हमारे हक में अच्छे नहीं है, हमारी जिंदगियों को नुकसान है, तो फिर हमें साबिरों और शाकिरों में से उठा। उनके बदले मेरे मौला तू जिन नेक लोगों को भेजना चाहे भेज, हमें कबूल है, हमें अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक अता फरमा। हमें अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम से निजात दिला मेरे मौला। हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे शहंशाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रिस्क हलाल अता फरमा दे। जो कारोबार कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उनको तरक्की कामरानी इज्जतें अता कर मेरे मौला। जिस वतन जिस नगर जिस शहर में भी कोई रहता उसको अमन का गहवारा बना दे मेरे मौला। सियासतों से पाक कर दे हमारी जिंदगियों को। तुझे वास्ता है बीमार करबला का मेरे मौला, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे मेरे मौला। जितने भी मोमिनीनों मोमिनात हैं इस जहाने फानी से जा चुके हैं उन्हें जवार रहमत में जगह दे मेरे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनके दरजात बुलंद कर,
جو تیرے قریب ہے میرے مولا, اور ہمارے بزرگ ہمارے والدین کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ, اور اس طرح ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے جس طرح وہ بچپن میں ہمارے کام آئے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہیں میرے مولا, ان کو کامیابیاں عطا کر, ان کی مشکلیں آسان کر, کامیابیاں ان کے قدم چومیں. میرے مولا جو ادھوری تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما. محمد والے محمد کے صدقے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سا ہی پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ دے دے میرے مولا. ذلتوں سے بچا, اے عزتوں کے محافظ تو ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا, بیویاں جتنی بھی ہیں جتنی بھی بچیاں اور بیٹیاں ہیں ان کی رداؤں کی حفاظت فرما. میرے مولا محمد والے محمد کے صدقے جو ویزا یا امیگریشن کے کاموں کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کو اپنی امبیسی سے مالا مال کر دے, ان کی مشکلیں آسان کر دے. میرے مولا تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا, جو گم شدہ ہیں لاپتہ ہیں ان لوگوں کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کو راہ راست دکھا. میرے مولا ہم سب کو اپنا فقیر اپنا گداگر اپنا بھکاری بنا کے رکھ. میرے مولا ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے رہے ہیں پروردگار, کسی انسان کا محتاج نہ کر, کسی کمینے کا محتاج نہ کر, یہ گردن سوائے تیرے سامنے کسی اور کے سامنے یہ جبی نہ چکے. میرے مولا تو اپنا کرم کر دے میرے مولا, جو تیری راہ کے مسافر ہیں ان کو انگلی پکڑ کے اپنا دیدار کرا, اپنے حبیب کا دیدار کرا, اس کی یال کا دیدار کرا. میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. میرے مولا تو سمندروں جتنے گناہ جو لے کر آئے ان کو بھی بخشنے والا ہے. میرے مولا تو غفور ہے تو رحیم ہے. پروردگار سوائے غم حسین کہ ہمیں کوئی غم نہ دے. اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتے ان سب کو ایک کر دے, کیونکہ تو خالق ہے پیار کا عشق اور محبت کا. آمین سم آمین. تھینک یو ویری مچ لیڈی جینٹلمین. تھینک یو. انسان سے وفا نہیں کرتی ہیں اس وقت, بڑی کوشش ہوتی ہے معاف کرنا. اس وقت آواز ساتھ دے دے لیکن تھوڑی دیر کے لیے بند آنکھوں سے جس کا دیدار ہوتا ہے روح باہر نکلنے کو بےتاب رہتی ہے. کبھی وجود میں اترنے کی کوشش کرنا, اس کے دیدار کی کوشش کرنا, سانس تک رکنے لگے گی. پروردگار آپ کو میری عمر بھی لگا دے. سانس ہونے وفا کی تو ایک بار پھر آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے بہت سا پیار پامانے خدا.